हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को राइट right? लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोज सेशंस पिछले सेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझने के लिए आपको रेनेसांस एज ऑफ एनलाइटमेंट वो सब टॉपिक जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के पढ़ने पड़ेंगे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सो मेक श्योर अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो पिछले सेशंस ज़रूर देखिए और उसके अलावा और उससे पहले भी जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स एनशियट मेडाइवल वो जो हम सब कवर कर चुके हैं उनको देखिए थॉरली फॉलो कीजिए ताकि आपको समझ आए आपको पता चले मेरे पढ़ाने की फ़िलासफ़ी क्या है आपको समझ आए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तो फैक्ट्स इकट्ठा कर ही रहे हैं लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें चाहे कोई वो एक दिवसीय एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी मेंस लिखने की बात हो हर एग्जामिनेशन को आप एक्सेल कर सकें सो so यही मेरा पढ़ाने का जो है वो एजेंडा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर हमारा जोर है राइट और उसके अलावा जो भी सेशन के बीच में मैं सवाल पूछता हूँ आपसे उस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे और आपको जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करना है मुझे आपको फीडबैक देना है कि सेशन कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा जो भी आपका ओपिनियन है सेशन के बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ठीक है आप मेरे पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं एक प्लेलिस्ट के माध्यम से वो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइएगा आपको वहां पर मेरे नाम से एक प्ले मिल जाएगी हिस्ट्री के सेशंस की राइट उसके अलावा अगर आप YouTube के सर्च बार पर सिंपली सर्च करेंगे विशाल चौहान तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिस्ट्री का और अगर आप इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट पे जाते हैं तो वहां पर भी लिंक है सो काफ़ी सारे जरिए है एक्सेस कीजिए पिछले सेशंस को और देखिए फॉलो करना शुरू कीजिए उन सेशंस को थॉरली पूरा का पूरा सेशन पढ़ना पड़ेगा आपको ये नहीं कि आपने दस मिनट देखा पंद्रह मिनट देखा बोर हो गए नहीं आपको बैठना पड़ेगा सेटिंग देनी पड़ेगी राइट उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं सी के लिए भी प्रिपेयर करूँ थोरली तो स्टडी आई की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए उस पर एक पूरा स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है सी का उसके अलावा बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ थॉरली स्टडी करना है तो स्टडी आई की एप्लीकेशन पर आपको उसके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग में एक जो है वो कोर्स मिल मिल जाएगा राइट सो so, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें यहां पर समझना है आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को तो आइए सबसे पहले एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आखिर है क्या और क्यों हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे तो आज हम हमारे इस टॉपिक में इस सारी चीजें कवर करेंगे ठीक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मैं दो पार्ट्स में करवाऊंगा क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टॉपिक अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि दो पार्ट्स में कराऊं ठीक है लेकिन आज हम क्या कवर करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है कैसे शुरू हुआ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे क्या फैक्टर्स रहे जिनकी क्या फैक्टर्स रहे जिन्होंने इफेक्ट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंपैक्ट्स वगैरह वो सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे राइट लेकिन आइए प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ठीक है तो अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे हैं रेनेसांस और एज ऑफ एनलाइटमेंट के तो आप भली भांति समझते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर आया रोम इटली यूरोप में ठीक है रेनेसांस की वजह से ह्यूमनिज्म प्रमोट हुआ ह्यूमनिज्म की वजह से साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हुई साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होने की वजह से साइंटिफिक इन्वेंशंस डिस्कवरीज हुई जिससे नए जो हैं वो इन्वेंशनज हुए खासकर शिप बिल्डिंग में और मरीनर मरीनर्स कंपस वग़ैरह इस तरह के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए जिससे जोग्राफिकल डिस्कवरीज पॉसिबल हो सकी जोग्रफिकल डिस्कवरीज़ की वजह से वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा वर्ल्ड ट्रेड की वजह से इकॉनमी में बूस्ट आया लेकिन वर्ल्ड ट्रेड की वजह से ही डिमांड भी इंक्रीज़ हुई ठीक है अब उस डिमांड को फीड करने के लिए मैनुअल लेबर जो है वो सक्षम या मैनुअल लेबर जो है वह मतलब काबिल नहीं था मैनुअल लेबर जो है वो, मतलब वो सफिशियंट नहीं था उस इतनी बड़ी हुई डिमांड को फीड करने के लिए ठीक है अब जो वर्ल्ड ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या क्या की कि यूरोप ने साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ढूंढा इंडिया के लिए डायरेक्ट रूट ढूंढा साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ यूरोप इससे क्या हुआ धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन तो किया ही है यूरोपियन शक्तियों ने लेकिन सबसे पहले तो ट्रेड करा ना उन्होंने सबसे पहले यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी या वेस्ट इंडीज़ कंपनियाँ जो थी जो ट्रेडिंग कंपनियाँ थी उन्होंने ट्रेड किया उनका पहला मोटिव ट्रेड था तो धीरे धीरे ट्रेड बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी गुड्स की क्योंकि ये जो नेटवर्क तैयार हुआ ना ट्रेडिंग का देख रहे हैं आप यूरोप से कहाँ कहाँ पर यूरोप से इंडिया अफ्रीका एशिया के अन्य भाग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ठीक है कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं और सेंट्रल अमेरिका भी सो so ये पूरा का पूरा जो ट्रेड का नेटवर्क है बहुत सारे लोगों को जब जोड़ दिया गया इस ट्रेड के नेटवर्क से इन पांच कॉन्टिनेंट के लोगों को जब ट्रेड के नेटवर्क से जोड़ दिया गया तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़नी थी डिमांड बढ़ी तो उसके लिए सप्लाई देने के लिए जो लेबर्स हैं वो किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट है हाथ से कर रहे हैं ठीक है हाथ से जो है वो बनाए जा रहे हैं कपड़े भी धागे भी सो दैट मीन्स बढ़ी हुई सप्लाई को प्रोडक्ट देने के लिए जो है वो प्रोडक्शन बढ़ानी है और प्रोडक्शन बढ़ाने की जो डिमांड है अब आपको ध्यान होगा कि अगर आवश्यकता है तभी आविष्कार है तो अभी डिमांड किस चीज़ की है मैनुअल लेबर से शिफ्ट होना है मशीनी लेबर पर यानी प्रोडक्शन बढ़ाने की डिमांड है इसीलिए हमें नए जो हैं वो इन्वेंशनस देखने को मिलते हैं मशीनें बनती हुई नज़र आती हैं और हर फील्ड में देखिए ट्रेड से जुड़ा हुआ क्या क्या एस्पेक्ट होता है रॉ मटेरियल होगा कैपिटल होगा और मार्केट होगी तीन चीजें रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट कैपिटल में क्या क्या है आपका मनी मतलब पैसा लेबर और लैंड ठीक है और रॉ मटेरियल आपका जो है वो नेचर से अवेलेबल होगा हो सकता है कि आपने कृषि के माध्यम से उसको उगाया हो और हो सकता है कि वो एक मिनरल हो या ओर हो ठीक है तो ये रॉ मटेरियल्स है आपके पास कैपिटल है धीरे धीरे जिन लोगों ने ट्रेड किया जिन ट्रेडिंग मर्चेंट्स ने ट्रेड किया उनके पास कैपिटल इकट्ठा हुआ तो उन्होंने लैंड भी एकर किया और जहाँ जहाँ पर देखिए कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी तो वहाँ से लेबर भी मिला और ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा तो आया ही ठीक है अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि मिनरल अब मिनरल जो है वो नेचर दे ही रहे हैं और जो है वो नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे प्रोड्यूस जो है वो तैयार हो रहा है तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है ठीक है रॉ मटेरियल के बारे में हमें जानकारी भी है और अवेलेबल भी है वर्ल्ड ट्रेड के बढ़ जाने से कैपिटल भी बढ़ गया कैपिटल की तीन चीजें क्या क्या है लैंड लेबर और मनी वर्ल्ड ट्रेड बढ़ जाने से कैपिटल भी एस्टैब्लिश है अब तीसरी चीज है मार्केट और वर्ल्ड ट्रेड के बढ़ने से मार्केट भी बढ़ी समझ रहे हैं ना आप पहले यूरोप केवल किससे ट्रेड कर रहा था व, पहले यूरोप जो है वो भूबंदे सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के रास्ते पहले वो अफ्रीका से ज्यादा से ज्यादा वो बाइजेंटीन एम्पायर और रेड सी के रास्ते यानी वही पुराने जो ट्रेड रूट है मैंने आपको एक्सप्लेन किए लेकिन अब जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने की वजह से नए ट्रेड रूट्स मिलने की वजह से नया मार्केट भी है नया मार्केट है तो नया कैपिटल भी है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो अपने देश के हैं जो भी इम्पेयरलिस्ट या कॉलोनिस्ट है मैं सब जर्नली सबके लिए बोल रहा हूँ मैं फ्रांस जर्मनी बेल्जियम नीदरलैंड्स इंग्लैंड सबकी बात कर रहा हूँ सभी एक्सपेंशनिस्ट सभी इंपेरलिस्ट शक्तियों के लिए जर्नली बात कर रहा हूँ अंग्रेजों के लिए हम अब ले जाएंगे थोड़ी देर में लेकिन सभी के लिए बात कर रहा हूँ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनके देश में तो है ही जहाँ जहाँ पर उन्होंने कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी वहाँ से भी नेचुरल रिसोर्स मिला वहाँ से उनको लेबर मिला लैंड भी मिला और पैसा भी मिला वहाँ पर उनको मार्केट भी मिली तो ये जो पूरा का पूरा स्टेज जो सेट हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अब सारी चीजें अवेलेबल हैं अब जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब मशीनें चाहिए ठीक है यानी कि जो और जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे थे मैनुअल लेबर से अब उसको जो है वो करने के लिए वहाँ पर मशीनें चाहिए उसके ट्रांसपोर्टेशन में मशीनें चाहिए जो पहले लैंड पर जितना भी प्रोड्यूस जो है वो जो भी लेबर कैप लेबर और मनी लगाकर जो भी जो है वो हाथ से चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही थी अब वहाँ पर हमें मशीनें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है मार्केट तक पहुँचने के लिए जो है वो हमें अब तेज मतलब तेज माध्यम चाहिए कम्युनिकेशन का भी ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोडक्शन का भी एक्सट्रैक्शन का भी राइट right? सो so, इन सा, इन सारे कामों को करने के लिए अब जो है वो मशीनों की आवश्यकता थी और वही हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में यानी कि एटीनथ और नाइनटीन सेंचुरी में रैपिडली जो एक के बाद एक मशीनों के इन्वेंशन हुए इन्हीं सब काम को करने के लिए तीन चीजें हैं ना आपके सामने देखिए क्या क्या रॉ मटीरियल्स कैपिटल और मार्केट इन तीनों इन तीनों uh, मतलब रॉ मटीरियल को एक्सेस करने के लिए कैपिटल को मैनेज करने के लिए और मार्केट में सप्लाई देने के लिए तीनों के लिए मशीनों का जो है वो इन्वेंशन जो हुए हैं और जिससे इन तीनों कामों को करने में जो स्पीड बढ़ गई है इसी को ही हमने इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन कहा है देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मैं बहुत आसान भाषा में यह भी बता सकता था आपको कि जब प्रोडक्शन हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा जब मास प्रोडक्शन हाथ मतलब मैनुअल लेबर के बजाय मशीनी लेबर से होने लगा मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा उस पीरियड उस फेज़ को हमने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो जो चेंज आया है रेवोल्यूशन इसलिए कहा बिकॉज इट इज़ अ इट इज़ अ रेवोल्यूशन इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा चेंज है बहुत रेडिकल चेंज था जिसने रेवोल्यूशन लिया क्रांति लिया है बहुत बड़ा चेंज जब आ जाता है उसे क्रांति कहा जाता है राइट right? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया जो बढ़ी हुई डिमांड थी उसके लिए सप्लाई दे दी गई और उससे भी ज्यादा बढ़ गई सप्लाई ठीक है आगे डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें टेक्निकलिटीज में आगे जाएंगे लेकिन अभी हम डिफाइन कर रहे हैं बैकग्राउंड हमने देखा बैकग्राउंड हमें पता है पिछले दो सेशन में हमने तैयार किया बैकग्राउंड बैकग्राउंड में मैं ज्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा ठीक है लेकिन डिफाइन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन तो ये बनती है जब मैनुअल लेबर से मशीनी लेबर होने लगा और मशीनी लेबर बड़े लेवल पर हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया उसे लेकिन बारीकी में जाएं तो आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट इन तीन फील्ड्स में जब मशीनों के माध्यम से इन तीनों के जो भी फंक्शंस हैं जो भी मैनेजमेंट है इन तीनों फील्ड्स का ठीक है इकोनॉमी के इन तीन फील्ड्स का जो भी मैनेजमेंट है जो भी फंक्शन है वो जो मशीनों के माध्यम से होने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाया यही सारी चीजें बारीकियां आज हम समझेंगे सो so, आइए इस पहली लाइन के माध्यम से एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और जो मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट करी है अभी रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट वाली धीरे धीरे इस कन्फ्यूजन को भी क्लियर करूंगा वैसे आई होप आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में मतलब समझ आई होगी रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट ये तीन चीजें जो हैं वो इकॉनमी के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए और मार्केट होना चाहिए ठीक है और इन तीनों कामों को करने के लिए ये तीनों काम जब मशीनों से होने लगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ठीक है और ओवरऑल एक मोटी मोटी डेफिनेशन क्या है पहला पॉइंट पढ़िएगा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेटली इंक्रीज आउटपुट ऑफ मशीन मेड गुड्स दैट बिगेन इन इंग्लिश ड्यू इंग्लैंड ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड मशीन मेन मशीन मेड गुड्स में जब बढ़ोतरी आई ठीक है बढ़ गया क्यों बढ़ा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैनुअल लेबर से अब मशीनों पर शिफ्ट होना था डिमांड ज़्यादा क्यों थी क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा वर्ल्ड ट्रेड क्यों बढ़ा क्योंकि जोग्रफिकल डिस्कवरीज हुई जोग्राफिकल डि डिस्कवरीज क्यों हुई क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच बढ़ा था क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशन हुए थे साइंटिफिक इन्वेंशन क्यों हुए क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच बढ़ा था साइंटिफिक अप्रोच कैसे बढ़ा क्योंकि रनेसांस आया रनेसांस क्यों आया बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो स्कॉलर्स मूव किए वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो एशीज बची थी वेस्टर्न रोमन एम्पायर की तो इस तरह ही थॉरली आपके दिमाग में प्रिपेयर होना चाहिए सारा सिस्टम ठीक है सारा पूरा का पूरा जो है वो क्रम आपके दिमाग में प्रिपेयर होना चाहिए ठीक है सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आए अब हम ठीक है अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इन एस इट इन एसेंस इट वॉज अ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग विच द ओल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क गॉट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एसेंस क्या है उसकी आत्मा क्या है मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक शब्द में बोले तो आप क्या कहेंगे कि इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह कहा जाए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट एक शब्द में अगर आप बताना चाहें दो शब्द में बताना चाहें तो क्या कहेंगे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अब देखिए इकोनमी किस पर बेस्ड है रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट पर ठीक है सो so, ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ रॉ मटीरियल कैपिटल और मार्केट के ही फील्ड में ठीक है समझते हैं एक एक चीज को समझेंगे लेकिन यहां पर इस इस इन दो शब्दों को ध्यान रखना है आपको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अभी हमने पहली जो लाइन पढ़ी है इसमें जो डेफिनेशन मैंने आपको दी क्या डेफिनेशन मिली हमें कि मास प्रोडक्शन हुआ है मशीनों से सो जो बढ़ी हुई डिमांड थी उसको उसके लिए सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मास प्रोडक्शन किया गया किसके माध्यम से मशीनों के माध्यम से राइट सो जब मास प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेगी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा बढ़ेगा राइट प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा यानी पैसा बढ़ा राइट सो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पहले जो हाथ से चीजें तैयार हो रही थी अब वो मशीनों से होने लगी तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ गई सप्लाई बढ़ गई तो गेम वही है लेकिन एक अलग लेवल पर आ गया गेम तो वही है ना ट्रेड वही चीजें हो रही हैं ठीक है वही है रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट तीन चीजों से ही जो है वो ट्रेड चल रहा है देखिए और भी हैं बहुत सारी मतलब बिजनेस में या इकोनॉमी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये तीन मुख्य हैं या तीन जो है वो ब्रॉड कैटेगरी में मैंने बांट दिया है रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट ठीक है उसके अलावा छोटी छोटी बारीकियों में जाएंगे हम लेकिन मेन मुद्दा आपको समझ आया ना कि ये जो रॉ मटेरियल कैपिटल और मार्केट है इसको नेक्स्ट लेवल पर जब शिफ्ट हुआ ये ठीक है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया मैंने बोला ना प्रोसेस ऑफ चेंज समझना है आपको देखिए पहले दस मिनट में नहीं समझाऊंगा मैं ये कोई क्रैश कोर्स नहीं दे रहा हूं मैं आपको थॉरली समझाऊंगा इसीलिए दो ढाई घंटे जुड़े रहिए मेरे साथ ठीक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना डिटेल में आज के सेशन या जो इससे अगले अगला आने वाले सेशन है वो जब खत्म होगा ना तो इतना बेहतरीन क्रक्स आपके पास प्रिपेयर्ड होगा ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो फिर उसके बाद ठीक so, है नेक्स्ट देखिएगा सो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है ओल्ड सिस्टम और नया सिस्टम ओल्ड सिस्टम क्या था ओल्ड सिस्टम वैसे तो अगर आप कहें तो ओल्ड सिस्टम जो है वो अग्रेरियन इकॉनमी भी थी लेकिन अग्रेरियन इकोनॉमी से ही तो चेंज आया जब वर्ल्ड ट्रेड हुआ है ना वर्ल्ड एक, अग्रेरियन इकोनॉमी के बाद जो है वो वर्ल्ड अब देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो अग्रेरियन इकॉनमी से जो स्विच हुए हैं हम इंडस्ट्रियल इकॉनमी में वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तो ये चीज है तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर था उससे नया ऑर्डर आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी ऑर्डर क्या था जो मैंने आपको बताया मैनुअल लेबर हो रहा था काम वही हो रहा था लेकिन पहले भी लेकिन मैनुअल हो रहा था अब वो मशीनों से होने लगा हेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखिए ये सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बार दिस न्यू इकोनॉमिक सिस्टम वाज करेक्टराइज बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की करेक्टर जो है वो देखते हैं पहला पॉइंट देखिएगा ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मैथड्स टू मशीन ये पहला पॉइंट हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं द डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स ये मशीनों पर नई मशीन, मशीनें बनी तभी तो इंडस्ट्रील रेवोल्यूशन आया ऑब्वियसली इम्प्रूव एफिशंसी ऑफ वाटर पावर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्टीम पावर अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया उससे पहले से ही लोगों को जानकारी थी कि जो स्टीम है वो प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है और उस प्रेशर का यूज किया जा सकता है लेकिन उस उस प्रेशर को उस एनर्जी को हार्नेस करने का इक्विपमेंट या टूल अभी अवेलेबल नहीं था उसी का ही तो इन्वेंशन हुआ ठीक है नॉलेज पहले थी कि ये जो प्रेशर है ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन उससे पहले क्या होता था उससे पहले पानी की काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता था व्हील को चलाने के लिए और उसको एज अ सिंपल मशीन की तरह या चक्की वगैरह चलती थी जिससे ठीक है सो पानी के काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता था तो वो भी चीज़ें हुई पानी से जो टर्बाइंस चलती हैं जो टर्बाइंस चली आ रही थी जिसको पर्शियन व्हील कहा जाता है एक एक एग्जांपल उसका पर्शियन व्हील उसके अलावा और बहुत सारे जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं सो so, पानी से होने वाली पानी से चलने वाली जो मशीनें हैं उनमें भी बड़ा उनमें भी जो है वो बड़ा जो है वो चेंज आया रेवोल्यूशनरी चेंज आया लेकिन जो मेन रेवोल्यूशनरी चेंज आया वो स्टीम का यूज करने वाली जो मशीनें बनी उसमें स्टीम स्टीम के जो पिस्टन बने और उनका इस्तेमाल हुआ सबसे पहले सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर स्टीम पावर में जो शिफ्ट है ठीक है इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्टीम पावर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक द राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम अंडर विच द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम होम टू द फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दैट इज फैक्ट्री सिस्टम का स्टेब्लिश होना देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कॉटेज इंडस्ट्री और आपने कॉटेज वर्ड को भी सुना होगा कॉटेज का मतलब होता है कोटिया एक छोटी सी कुटिया एक छोटा सा घर राइट तो कॉटेज कौटे, कॉटेज इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्शन को कहा जाता है जो कि घर से होता है यानी कि एक आम आदमी अपने घर से जो प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है लाइक अगर आपके घर में चरखा है तो आप धागा जो है वो कत ले रहे हैं सूत ले रहे हैं धागा ठीक है उसके अलावा हमारे घर में जो है वो मैनुअल लूम्स होती हैं आपने देखा होगा अभी भी गांव में जो है वो हाथ से चलने वाले जो बुनकर होते हैं उनके पास हाथ से चलाने वाली मशीनें होती हैं जिससे वो हाथ से ही वो कपड़ा बनाते धागा बनाते हैं और हाथ से ही वो कपड़ा बना लेते हैं ठीक है सो हैंड लूम्स कहा जाता है उन्हें तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती थी जब देखिए जब मश, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उससे पहले अगर भारत से तैयार सामान ले जाना है अगर भारत से अंग्रेजों को तैयार सामान यानी भारत से तैयार जो है वो कपड़ा तैयार सिल्क ले जाना है तो वो सब हाथ से बना होता था और सब लोगों ने घरों में बनाया होता था इसीलिए उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है वही सेम सीन यूरोप में भी था इंग्लैंड में भी था इंग्लैंड में, में भी जो बुनकर है वो घर में धागा तैयार करते थे और घर में ही कपड़ा तैयार करते थे इसलिए उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता था लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वही धागा बनाना और वही कपड़ा बनाना जो मशीनों से होने लगा और उन मशीनों को जब एक साथ रख दिया गया जब किसी व्यक्ति ने इस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया और उसने आठ दस मशीनें खरीद ली धागा बनाने की आठ दस खरीद ली कपड़ा बनाने की और आठ दस मशीनें खरीद ली उन कपड़े को सीलने की और उन सबको एक बड़ी बिल्डिंग में एक छत के नीचे रख दिया तो भैया तैयार हो गई आपकी फैक्ट्री ठीक है और आसपास ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया देश में कि लोगों के पास और कोई चारा ही ना रह जाए कि वो इस फैक्ट्री में ही आके काम करें खेती जो है वो इतनी मुश्किल कर दो उनके लिए या उनको जो है वो लैंडलेस लेबर क्रिएट कर दो इतना ज्यादा कि उनके पास कोई चारा ही ना रह जाए कि वो फैक्ट्री में आकर काम करें यही इंग्लैंड में हुआ है आज समझाऊंगा आपको मैं यही सेम चीज इंग्लैंड में हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते और यही कैपिटलिस्ट इकॉनमी का एक साथ साथ ही साथ पैरेलल जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी चल रही है ठीक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको मैं धीरे धीरे स्टेब्लिश कर रहा हूं समझा रहा हूं पहले फिर एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे तो मैंने आपको बोला ना नई इन्वेंशन हुए तो किसी किसी मर्चेंट ने इन्वेस्ट करा उस पर तो उसने वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया तो वो मर्चेंट जो है वो कैपिटलिस्ट है ठीक है पूंजीपति है उसने मौका देखा कि यहाँ पर जो जितने भी सरकारी पॉलिसीज़ हैं उससे लैंडलेस मजदूर जो है वो क्रिएट हो रहा है तो मैं इतनी बड़ी जो है वो एक पैच ऑफ लैंड खरीदता हूँ इसमें मैं धागा बनाने की भी धागे से कपड़ा बनाने की भी और कपड़ा छीलने की भी तीनों फैक्ट्रीज अगर तीनों जो है वो मशीनें एक साथ लगा दूं और एक ही छत के नीचे लगा दूं और जो लैंडलेस मजदूर है उनको जो है वो ले आऊं तो यहाँ पर मेरी फैक्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी और यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का करेक्ट्रिस्टिक है लैंडलेस मजदूरों की बहुतायत होना बेरोजगार लोगों का लोगों की बहुसंख्या उसके अलावा ऐसे मर्चेंट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था जो इस इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी मशीनें वो लगा सकें जिससे फैक्ट्रियों का उत्पन्न हुआ सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पहली बार हमें फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश होती हुई दिखी तो फैक्ट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक ही छत के नीचे बहुत सारी मशीनें या एक या एक से ज़्यादा मशीनें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और मास प्रोडक्शन कर रही हैं उसको कहा जाएगा फैक्ट्री और पहली बार मजदूर घरों से निकलकर फैक्ट्रियों में आके उन्होंने काम करना शुरू किया तो पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ ये ठीक है so, सो धीरे धीरे आज ही हम समझेंगे इन सारी चीजों को ठीक है सो राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ठीक है अंडर विच द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम होम टू द फैक्ट्री द वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ ट्रेवल्ड फ्रॉम होम टू द वर्क साइट्स ऑन अ डेली बेसिस देखिए वर्कर्स ने पहली बार फैक्ट्रियों में जाकर जो है वो काम करना शुरू किया यानी कि सुबह आए वर्कर फैक्ट्री में काम किए और घर गए जो कि आज होता है प्रेजेंट डे में हो रहा है ना मजदूर आता है फैक्ट्री में काम करता है और घर चला जाता है ये शुरुआत हुई इसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां हुई इंग्लैंड में सो so, यह जो फैक्ट्री सिस्टम है ये सबसे पहले कहां स्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में ठीक है नेक्स्ट देखिएगा दे फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीगेटेड इन सच लार्ज नंबर अंडर अ शेड वर्किंग ऑन मशीन्स पहली बार एक शेड के अंदर मशीनों पर काम करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए थे देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मजदूर पहले इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हुए थे ताजमहल बनाने के लिए बहुत सारा मजदूर लगा होगा ठीक है या, या यूरोप में भी बहुत बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शनज हैं चर्चिज की या और जो है वो बड़े बड़े जितने भी मोन्यूमेंट्स बने हैं यूरोप में उन सबको क्रिएट करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगे होंगे ठीक है लेकिन एक शेड के अंदर मशीनों के माध्यम से वो तो कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही है ना और सुबह आ रहे हैं रात को जा रहे हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक है और वही सेम काम रोज वो कर रहे हैं वही सेम काम रोज वो कर रहे हैं ये जो एस्टेब्लिश हुआ है सिस्टम कब हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपके ये देखिए हाउ एवर द रूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई इन द इंपॉर्टेंस विच इज एस्क्राइब टू रैशनल थाट एंड रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू रीजन ओवर फेथ दिस चेंज इन द ओरिएटेशन ऑफ मैन फ्रॉम डिवाइन टू अर्दली फ्रॉम अदर वर्ल्डली टू दिस वर्ल्डली स पीरियड प्रोसीडिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज परैप्स द प्रो जेनेटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो रनेसांस को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रो जेनेटर कहा जाना सही रहेगा तो मैंने आपका पूरा प्रोसेस समझाया ही है रेनेसांस की वजह से ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म की वजह से साइंटिफिक अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच की वजह से साइंटिफिक डिस्कवरीज साइंटिफिक डिस्कवरीज की वजह से ज्योग्रफिकल डिस्कवरीज जोग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड की वजह से इंक्रीज्ड डिमांड इंक्रीज डिमांड की वजह से शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन लेबर ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ बिकॉज़ ऑफ द ह्यूज इंक्रीज डिमांड ड्यू टू द वर्ल्ड ट्रेड ड्यू टू द जोग्राफिकल डिस्कवरीज ड्यू टू द साइंटिफिक डिस्कवरीज ड्यू टू दाइंटिफिक अप्रोच बिकॉज ऑफ द ह्यूमनिजम अप्रोच वाई स तो ये पूरा पैटर्न हम समझते हैं ठीक है ये चीज हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं बैक एंड फोर्थ हम जा सकते हैं इसमें कंफर्टेबल so है ठीक है सो वही चीज है रैशनल थॉट थॉट रीजन ओवर फेथ तो इसी को ही आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जर्नी जो है वो रेनेसान्स ही है ठीक है देर फॉर स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट द एप्रिसिएशन ऑफ दिएसांस पीरियड तो हमने एक सेशन पूरा रेनेसांस पे लिया एंड वी हैव वेल एप्रिशिएटेड इट राइट Next point, dakika. further the achievements of industrial revolution is not simply limited to the progress in the scientific thought and technological achievements. Rather, the simple philosophy of rational thought, which included a technological revolution, also made its impact on the understanding of other disciplines like politics, economy, sociology and philosophy, which in turn facilitated the usage of new scientific innovations in sphere of rational policies of countries like England and Netherlands. देखिए इस एक स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पकड़नी है ठीक है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप देखिए उसको पढ़ते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखिए क्या क्या है प्रोग्रेस इन द साइंटिफिक थॉट ये हम समझते हैं टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स ये भी हम समझते हैं सिंपल फिलॉसफी ऑफ रैशनल थॉट देखिए अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि रैशनली सोचना शुरू कीजिए तो ये बहुत सिंपल लगता है ना ठीक है इसीलिए सिंपल फिलॉसफी है ना कि आपको रैशनली सोचना है रैशनली सोचने का मतलब यह है कि कोई भी अगर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल नेचुरल घटना अगर घट रही है तो उसके पीछे आपको क्या तथ्य छुपा है क्या फैक्ट छुपा है क्या साइंटिफिक फिनोमेना है ऐसी घटना होने के पीछे अगर उस साइंटिफिक फिनोमेना को पता करने की स्पिरिट है आपके अंदर वही है रैशनैलिटी सिंपल सी बात कोई ज्यादा यानी कि कोई भी घटना घट रही है ना इस धरती पर कोई भी घटना घट रही है कोई सोशल घटना घटी कोई पॉलिटिकल घटना घटी कोई इकोनॉमिक घटना हुई ठीक है कोई नेचुरल ही घटना हो गई उसके पीछे का छुपा हुआ फैक्ट उसके पीछे का छुपा हुआ जो साइंटिफिक फंडा है वो समझना ही रैशनैलिटी है यानी कि अगर बारिश हो रही है तो वाटर साइकिल को समझना आपकी रैशनैलिटी है ये मान लेना कि ऊपर कोई देवता बैठा है और वो बिजली चमका रहा है ये ये डिवाइन अथॉरिटी को मानना ये अंधविश्वास है समझ रहे हैं ना रेशनैलिटी का क्या मतलब है साइंटिफिक जो है वो आपको कारण ढूंढने पड़ेंगे देखिए यहां पर ना घूम फिर के ये पूरा डिस्कशन आकर रुक जाता है कि क्या डिवाइन अथॉरिटी मौजूद है या नहीं है देखिए हमारा दिमाग जैसे मैंने आपको कल पिछले सेशन में समझाया था ना कि जो आप रंग देख पा रहे हैं बेसिकली आपका दिमाग प्रिसीव कर रहा है वो तो जो इंसान का दिमाग है ना वो हर सेकेंड कई करोड़ों बिट्स इंफॉर्मेशन यू एम ई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से रिसीव तो कर रहा है लेकिन हमारा कॉन्शियस बहुत कम प्रोपोर्शन उसका प्रोसेस कर पाता है जिसको हम देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं राइट और ये जो पूरा यूनिवर्स है ये इसी तरह की ई एमडब्ल्यू से भरा हुआ है तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी हो सकता है कहने से बेटर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा ही है कि ऐसी बहुत सारी ई एमडब्ल्यूज हैं जो कि हमारे कॉन्शियस से परे हैं ठीक है सो जस्ट बिकॉज कि हमारा दिमाग कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता दैट डजेंट मीन कि वी जस्ट गो हेड एंड सिंपली डिस्कार्ड द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग लाइक दैट माइट बी प्रेजेंट राइट ऐसी चीज जो है वो कोई प्रेजेंट हो सो डिवाइन अथॉरिटी है या नहीं है इस चीज को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को समझने के काबिल नहीं है अभी तक या हम अपने दिमाग को उतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सकते मॉडर्न साइंसिस इंसान के दिमाग को इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सका है कि हम वो सारी ई को या हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स अभी नहीं है कि हम वो सारी ई को प्रोसेस कर सके ई एमडब्ल्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ई क्या है सो so, धीरे धीरे आपको समझ आएगा मैं परिचित कराऊंगा आपको अप मेरे थॉट प्रोसेस से मैं किस तरह सोचता हूं चीजों को धीरे धीरे मैं सारी चीजें समझाऊंगा ठीक है so, सो डिवाइन यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं कि भगवान है या नहीं बहस ही है लोगों के बीच में ठीक है साइंस ये बोलता है कि भगवान है मैं ये बोलता हूं कि साइंस अभी उतना डेवलप ही नहीं हुआ कि वो ये समझ सके कि यूनिवर्स यूनिवर्स जो है वो क्या ऑफर कर रहा है हमें राइट सो जस्ट बिकॉज कि हमारे अभी तक वो हमारी अभी तक वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं डेवलप हुई है हम सिंपली डिस्कार्ड कर दें कि यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती जस्ट बिकॉज हम नहीं प्रोसेस कर सकते क्योंकि आज से 700-800 साल पहले वो ज़्यादा समय दूर नहीं गए जब हम धरती को फ्लैट भी मानते थे राइट right? तो मैंने आपको बोला ना नए इन्वेंशनस नई खोजें होती जाती हैं सो जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ अनकम्प्रेहेंसिव फॉर एस मतलब अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ठीक है तो मेरा मानना ऐसा है अब ये बाकी आप पर है कि आपका मानना क्या है ठीक है लेकिन मेरा फिलहाल मानना यह है कि जो डिवाइन है वो एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि हमारा दिमाग मतलब देर इज अ गुड चांस कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन जो रीजन है वो अभी तक जो है वो खोज नहीं सका है उसको ठीक है उसमें खोज चल रही है हो सकता है कि अगले पांच सात आठ दस सालों में मिल भी जाए हमें ठीक है खैर आंसर्स मिल जाए उन गुत्थियों के ब्लैक होल की फोटो खींच ली गई है ठीक है अभी रिसेंटली खींची गई मुझे आप बताएंगे उस लेडी का नाम जिसने वो पूरा प्रोग्राम लिखा ठीक है जिस जिस उस जिस प्रोग्राम के तहत वो जिसने वो पूरी कोडिंग लिखी है ब्लैक होल को जिस जिस कोडिंग के तहत वो ब्लैक होल की फोटो खींची गई ठीक है खैर ऑफ टॉपिक ना जाते हुए वापस आते हैं तो सिंपल फिलोसफी ऑफ रैशनल थाट ठीक है तो मैं वही आपको रैशनल थाट समझा रहा था तो ये मेरी रैशनैलिटी है मेरी रैशनैलिटी ये बोलती है कि जस्ट बिकॉज हमारा दिमाग कोई चीज कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता दैट डजेंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ठीक है हो सकता है कि वो कुछ ऐसी ई हो जो हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता अभी या हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है अभी तक जो उन ई एमडब्यूज को प्रोसेस कर सके या हमारा कॉन्शियस उसको रिसीव तो कर रहा है लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहा सिंपल सी बात ठीक है नेक्स्ट चीज़ देखिएगा अदर डिसिप्लिन भी डेवलप हुए लाइक पॉलिटिक्स इकोनॉमी सोशियोलॉजी फ़िलासफी हमें पॉलिटिक्स समझ आने लगी हमें नई इकोनॉमिक सिस्टम जो नया इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म जो डेवलप हुआ वो समझ आने लगा हमें नए सोशल स्ट्रक्चर हमने सोसाइटीज़ की सोसाइटीज़ को समझना शुरू किया क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा तो ऑब्वियसली नई सोसाइटीज़ के कांटेक्ट में यूरोप भी आया और अन्य देश भी यूरोप की यूरोप के कांटेक्ट में आए तो सोशियोलॉजी पर भी हमारा जो है वो ज्ञान बढ़ा पहले यूरोप की सोसाइटी को ही वो जो है वो सिविलाइज्ड समझते थे लेकिन जब उन्होंने भारत में आकर भारत की रईसी देखी तब उनके दांत खट्टे हुए कि अच्छा लोग जो हैं वो सोने के बर्तनों में बैठ के दूध और मक्खन से नहा रहे हैं ये है नहीं रईसी तो ठीक है नेक्स्ट चीज़ देखिएगा तो कहने का मतलब नए और नई फिलॉसफीज का जन्म हुआ लेकिन ये सब कैसे हुआ यूसेज ऑफ न्यू साइंटिफिक इनोवेशन इन स्फीयर ऑफ रैशनल पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड नीदरलैंड खैर इन्हीं सब चीजों को आगे डिस्कस करते हैं अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के कारण क्या रहे पहला पॉइंट देखिएगा इंग्लैंड एडवांटेजियस जियोग्रफिकल लोकेशन सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में सवाल आनी चाहिए थी अभी तो वो ये आना चाहिए था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में क्यों नहीं हुआ सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दक्षिण अमेरिका में क्यों नहीं हुआ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया चाइना में क्यों नहीं हुआ पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान में क्यों नहीं हुआ फ्रांस में क्यों नहीं हुआ इटली में क्यों नहीं हुआ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया इंग्लैंड में ही राइट right? सो so आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझना पड़ेगा तो मैं आपको फिर से ले जाऊंगा एंशंट काल में ठीक है एंशियंट से भी पहले मैं मैं आपको ले जाना चाहता हूं नियोलिथिक पीरियड में ठीक है so, सो मिजोलिथिक से नियोलिथिक का जो चेंज मैंने आपको पढ़ाया था मिजोलिथिक से नियोलिथिक में चेंज हमने किस पीरियड को कहा है जब इंसान ने हंटिंग गैदरिंग को तो हंटिंग गैदरिंग तो कर ही रहा है मिजोलिथिक में लेकिन जब इंसान ने स्थायी तौर पर कृषि करनी शुरू कर दी तो हमने कहा कि नियोलिथिक पीरियड जो है वो शुरू हो गया वैसे नियोलिथिक जो है वो पत्थर के हिसाब से भी होता है लेकिन हमने कृषि के हिसाब से भी रखा जब कृषि तौर पर कृषि करनी शुरू कर दी इंसान ने नियोलिथिक पीरियड जो है है वो हमने मान लिया कि शुरू हो गया ठीक या हमें जब कृषि के शुरुआती मानव द्वारा गई कृषि के जो है वो शुरुआती एविडेंस मिले तो हमने मान लिया कि वो पीरियड नियोलिथिक शुरू हो जाता है वहां से ठीक है तो मानव ने क्या करना शुरू किया कृषि करनी शुरू करी कृषि के बाद धीरे धीरे मानव ने सेटलमेंट्स जो है वो डेवलप करने शुरू किए ठीक है थीके? तो हमें यह समझना है कि इंग्लैंड में ही देखिए जुड़े रहिएगा भी मेरे साथ हमें यह समझना है कि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया ठीक है तो मैं एक बार जो प्राक मानव है वहां से लेकर आता हूं ठीक है जो हमारा नियोलिथिक पीरियड है सो so, नियोलिथिक से हमने चालकोलिथिक चालकोलिथिक से ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज से जो है वो आयरन एज और फिर एंशियंट में कदम रखा ठीक है अब देखिए ये जो नियोलिथिक पीरियड है ये भारत में भी आया भारतीय उपमहाद्वीप में एशिया के अन्य क्षेत्र में भी आया यूरोप में भी आया अफ्रीका में भी आया ठीक है उसके बाद चालकोलिथिक इन सारे रीजन में आया उसके बाद ब्रॉन्ज एज भी इन सारे रीजन में आया उसके बाद आयरन एज भी इन सारे रीजन में आया उसके बाद एंशियंट पीरियड भी इन सभी रीजन्स का रहा भारत का भी एनशियंट पीरियड रहा अब लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है जोग्राफिकल जो है वो डिफरेंसेस भारत कि जो जोग्रफिकल पोजीशन है वो भारत को अलाउ करती है एक बहुत जो है वो उपजाऊ भूमि प्रोवाइड करती है भारत को अलाउ करती है कि साल में तीन चार फसलें भारत से निकलाए भारत के अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में तो भारत बहुत ज्यादा उपजाऊ है भारत बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो भारत में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और मैंने आपको समझाई है इंडिया के पेनिजला की रिलेटिव पोजिशन ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया को कनेक्ट करना तो भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट भी है तो भारत के जितने भी रूलर्स या जो भी जनता रही जो भी मर्चेंट्स रहे या जो भी लेबर्स रहे वो रिलेटिवली रिच रहे और संपन्न रहे ठीक है तो रेवोल्यूशन कब आता है इन्वेंशन कब होता है जब कोई जरूरत होती है तो भारत को जरूरत ही नहीं थी क्योंकि भारत संपन्न था ठीक है ब्रिटेन को या यूरोप को यूरोप में क्यों नहीं हुआ ब्रिटेन में क्यों हुआ यह भी समझना है ना हमें इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन मेनलैंड यूरोप में क्यों नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है यूरोप का मैप देखा है तो आप भली भांति जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो क्या है एक अलग द्वीप है यूरोप से अलग ठीक है यूरोप के मेनलैंड से नहीं जुड़ा जुड़ा है तो एंशियंट पीरियड में वहीं पर ले जाता हूं मैं आपको ग्रेको रोमन पीरियड उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई ठीक है तो बेसिकली है क्या एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही है तो थ्रू आउट यूरोप में भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है ग्रेको रोमन पीरियड में उसके बाद आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर अभी भी क्या है एग्रीकल्चरल इकॉनॉमी है लेकिन उसके बाद जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बाद डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं डार्क एजिज में ठीक है फिर इस्लाम का डेवलपमेंट होता है फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लड़ाई होती है लेकिन वो सब कहां हो रहा है वो यूरेशिया में हो रहा है मेनलैंड यूरोप और एशिया में और उनके बीच में जो बॉर्डर है कैस्पियन और ब्लैक सी और यहां पर जो मेडिटेनियन सी से लगते हुए जो पोर्ट सिटीज है और लाल सागर रेड सी से लगती हुई जो पोर्ट सिटीज है इनको कंट्रोल करने की जो सारी लड़ाई है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में ताकि सिल्क रूट साउथ ईस्ट एशिया और भारत से आने वाले ट्रेड के ऊपर मनोपली क्रिएट की जा सके ठीक है ये चीज़ हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि इस्लाम और क्रिश्चानिटी में लड़ाई क्यों थी देखिए लड़ाई धर्मों की नहीं होती लड़ाई होती है शासकों की उनके अपने खुद के इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट की लेकिन धर्म को यूज़ किया जाता है एज अ पॉलिटिकल वेपन ताकि जनता को इकट्ठा किया जा सके अब कोई शासक है कोई डायनेस्टी है उसको अगर अपना रूल अगले 300 सालों तक चला के रखना है तो इकॉनमी सुदृढ़ चाहिए और ये जो एरिया है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर इकॉनमी सुदृढ़ किसकी है जिसके पास ये ट्रेड रूट है इंडिया चाइना को तो भूल जाइए उनका अपना अलग सिस्टम चल रहा है ठीक है इंडिया और चाइना की हम बात कर ही नहीं रहे उनके लिए हम अलग से पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बात कर रहे हैं ना हम और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं उसकी हम अलग से बात करेंगे हम यूरोप और जो एशिया के बीच का जो कनेक्शन है इसका डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है खैर सो so, अब देखिएगा यहां पर डिस्प्यूट क्या है इस ट्रेड रूट के पीछे इस डिस्प्यूट की वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रही हर डेढ़ सौ दो सौ सालों बाद युद्ध छिड़ते रहे भले ही कितना भी कमाई होती गई हो लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही और जबकि इंग्लैंड कहाँ है मेनलैंड यूरोप से बाहर है तो इंग्लैंड अगर समय समय पर क्रूसेड्स करने के लिए इस्लाम से लड़ने के लिए अपने सैनिक अगर भेजता रहा हो लेकिन क्या इस्लामिक लोग वहाँ पर जाके उन्होंने आक्रमण किया ब्रिटेन पर नहीं दैट मीन्स जो यूरोप में हो रहा है यूरोप में जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल है जो भी इकोनॉमिक जो भी जो भी जो है वो वहाँ पर झगड़ा चल रहा है उसका क्या डायरेक्ट असर ब्रिटेन पर रहा नहीं दैट मीन्स रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ पर है ब्रिटेन में है अब धीरे धीरे डार्क एजिस से मॉडर्न पीरियड की तरफ बढ़ते हैं इसी एरिया में ठीक है सो रेनेसांस का पीरियड आया अब रेनेसांस का पीरियड आया तो माहौल सुधरने लगा लाइटमेंट आई ठीक है अलाइटमेंट आई साइंटिफिक अप्रोच बढ़ी तो साइंटिफिक अप्रोच बढ़ी तो उसके खिलाफ जो कैथोलिक चर्च है उसने भी रेजिस्टेंस दिया तो जो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स का जो डिस्प्यूट है वो कहाँ पर ज़्यादा रहा होगा मेनलैंड यूरोप में या इंग्लैंड में ऑब्वियसली so आपका जवाब होना चाहिए मेनलैंड यूरोप में सो दैट मीन्स जब रेनेसांस आया उसके बाद भी रेनेसांस की गति में रुकावट डालने के लिए अगर जो ओल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश है अभी भी तो वह मेनलैंड में ज्यादा स्ट्रांग है इंग्लैंड में कम है सो so बेसिकली हुआ क्या रेनेसांस का असर इंग्लैंड में ज्यादा हुआ और मेनलैंड यूरोप में कम हुआ इसीलिए धीरे धीरे जो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो इंग्लैंड में ज्यादा होती गई भले ही ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज पहले स्पेन पुर्तगाल ने की हो ठीक है इंग्लैंड ने जोग्राफिकल डिस्कवरीज भले ही बाद में की हो लेकिन जो अन्य पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई हैं जिन्होंने रास्ता प्रशस्त किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक कामयाब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आई मैंने आपको कब बताया जब डिमांड बढ़ी ना उस डिमांड को सप्लाई देने के लिए जब मशीनें अवेलेबल होंगी उसी कंडीशन को हमने बोला ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है तो वो सिचुएशन आने के लिए जो सबसे फेवरेबल जगह थी वो इंग्लैंड ही थी उसका सबसे पहला कारण जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं एंशियंट उसके बाद डार्क एजेस और फिर जो मॉडर्न एजेस शुरू हुए इन सब में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उसका डायरेक्ट असर इंग्लैंड पर नहीं पड़ता पहली चीज तो पॉलिटिकली स्टेबल है इंग्लैंड दूसरी चीज इंग्लैंड ने जो है वो मोनार्की को हटाकर इंग्लैंड में जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ही एक और पॉइंट है ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया उससे मोनार्की और वहाँ के जो भी मर्चेंट क्लास है उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी ठीक है तो जो मुना वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज है वहाँ की जो एरेस्टोक्रेसी है और बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले जो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा उससे जो एक नया इकोनॉमिक क्लास तैयार हुआ है उसका और जो ऑलरेडी पुरानी चली आ रही एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने से एक रिलेटिव जो है वो स्टेबल सरकार एस्टेब्लिश हुई ब्रिटेन में एज कम्पेयर टू यूरोप दूसरा कारण ये तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए चाहिए क्या तीन चीजें रॉ मटेरियल कैपिटल और तीसरी चीज क्या है मार्केट सो मार्केट जो है वो भारत रॉ मटेरियल मार्केट और जो कैपिटल है वो भारत से आ जाएगा क्योंकि मार्केट जो है वो पूरी की पूरी भारत है और जितने भी कॉलोनीज हैं वो भी ब्रिटेन की लेकिन भारत एक कॉलोनी है ठीक है दूसरी चीज कैपिटल चाहिए लेबर चाहिए आपको तो ब्रिटेन के पास लेबर जो है वो अपनी अवेलेबल है उन उसके लिए उन्होंने ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट किया वो नए बने मर्चेंट्स और वहां की रिस्टोक्रेसी ने मिलकर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया ताकि वहां पर जो है वो लैंडलेस मजदूर लैंडलेस किसान बहुत सारे प्रोड्यूस बहुत सारे जो है वो तैयार हो जाए ऐसा किसान तैयार हो जाए जिसके पास भूमि नहीं है और वो मजबूर हो जाए किसमें काम करने के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए तो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम इंग्लैंड ने इंग्लैंड में तैयार किया और वो सही तरीके से तैयार कर सके विदाउट एनी वि, विरोध क्यों क्योंकि पहले से ही अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर बनी हुई थी बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द मेन लैंड यूरोप और जो मेन लैंड यूरोप की समस्याएं है वो वहां पर नहीं थी इसीलिए जैसा वहां की सरकार करना चाहती थी जैसा वहां के मर्चेंट्स करना चाहते थे वैसा उन्होंने वहां पर किया ठीक है सो पहला तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूसरा कैपिटल अवेलेबल है पैसा अवेलेबल है भारत से आ रहा है ठीक है लेबर अवेलेबल है अपने देश में तैयार कर ली और तीसरी चीज लैंड लैंड जो है वो इंग्लैंड के पास बतेरा पड़ा है अभी अपना अपना भी है और उनकी कॉलोनीज भी नेक्स्ट चीज आता है रॉ मटेरियल अब इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकी इसका एक और कारण यह है कि इंग्लैंड इज अ मिनरल रिच नेशन इंग्लैंड के पास अपने खुद के मिनरल्स अवेलेबल है उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए फ्यूल चाहिए राइट और मशीनें बनाने के लिए मेटल चाहिए तो फ्यूल के रूप में कोयला उनके पास दुनिया भर का अवेलेबल है इंग्लैंड के पास और एक बहुत अच्छी ग्रेड का कोयला दूसरी चीज लोहे के उनके पास एक बहुत बड़े रिजर्व जो है वो अवेलेबल है तो रॉ मटीरियल कैपिटल और मार्केट तीनों चीजें अबंडेंस में इंग्लैंड के पास अवेलेबल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंग्लैंड के पास अवेलेबल है तो यही सब कारणों की वजह से इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्या आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आइए इन्हीं सारी चीजों को और बहुत सारे पॉइंट्स को स्टेटमेंट्स के माध्यम से देखते हैं सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी लेकिन मैं चाहता हूं आपके दिमाग में इस तरह की जो है वो क्लैरिटी जनरेट हो राइट स्टेटमेंट्स के माध्यम से तो हम सब कुछ समझ ही लेंगे लेकिन एक इस तरह की थर क्लैरिटी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं तभी मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं इतने एंथुजियाजम से ताकि आपके अंदर भी वो इंप्रेशन जाए कि हमें भी इसी तरह प्रिपेयर रखना है अपने दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन इसी तरह प्रिपेयर होनी चाहिए ठीक है आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट देखिए स्टेटमेंट देखिएगा इंग्लैंड एडवांटेजियस जोग्राफिकल लोकेशन इंग्लैंड की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है इंग्लैंड बींग पार्ट ऑफ ब्रिटिश आयल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड यूरोप ब्रिटिश आयल्स और इंग्लैंड अब देखिए इंग्लैंड और ब्रिटेन में जो है वो आपको फर्क पता होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम क्या है स्कॉटलैंड आयरलैंड इंग्लैंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इन पांच पॉलिटिकल यूनिट्स के ग्रुप को यूनाइटेड किंगडम कहा गया जिसमें से आयरलैंड ने अपने आप को अलग कर लिया है नॉर्थ आयरलैंड स्कॉटलैंड वेल्स और इंग्लैंड जो है वो एक साथ है तो इंग्लैंड का मैप देखिएगा पॉलिटिकल आपको समझ आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं ठीक है सो वो नहीं है वो मेन बात नहीं है मेन पॉइंट ये है कि मेनलैंड यूरोप से अलग है ठीक है तो एक अलग जो है वो एक द्वीप के तौर पर होना बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रहा है इंग्लैंड का ठीक है इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड यूरोप विच इंसुलेटेड इट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल टर्मोइल्स टेकिंग प्लेस इन मेडाइवल यूरोप गिविंग इट अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ पीस तो यूरोप से बाहर है तो शांति में है इंग्लैंड ठीक है यूरोप के मुकाबले नेक्स्ट फर्दर इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वॉज हेल्ड बाय अर गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड एन एंड एन इंडेन्टेड कोस्ट लाइन विद शेल्टर्ड बेज अब देखिए इंग्लैंड को जैसे इसीलिए इंग्लैंड जो है वो इतना प्राइड क्योंकि उन्होंने जो है वो बोला इन सारी चीज़ों को इतना पॉजिटिव तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है ना और वैसे सही बात भी है ठीक है उनके वहाँ मतलब इंग्लैंड में नदियों का इतना बेहतरीन जाल है केवल उनके पास जो है वो यूरोप से वो अलग है अलग द्वीप है प्लस नदियों का बहुत बेहतरीन जाल है इंग्लैंड में ठीक है इंग्लैंड में नदियों का बेहतरीन जाल है और इंग्लैंड एक द्वीप है इसका मतलब ये वो सारी की सारी नदियाँ समंदर में उतरती हैं कोई भी किसी लेक में नहीं उतर रही तो वो सारी की सारी नदियाँ अपना पानी समंदर में डाल रही हैं सी में डाल रही हैं इससे हुआ होता ये है कि जो भी सी का ट्रेड है वो उन नदियों के रास्ते डायरेक्ट शहरों तक पहुंच जाता है तो एक बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं सोच के देखिएगा ठीक है यूरोप से या अफ्रीका से या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इंडिया से जो भी शिप आ रही है वो ऐसा नहीं है कि कहीं खड़ी होगी फिर उसका सामान जो है वो उठाकर ले जाना पड़ेगा नहीं वो सीधा इंग्लैंड के रिवर सिस्टम में एंटर कर जाएगी और सीधा जिस शहर में लेकर जा रहा है उस शहर में आकर वो शिप जो है वो अनलोड कर देगी अपना सामान या वहां से लोडिंग करेगी ठीक है तो एक बेहतर बहुत सारी नदियों का प्रेजेंट होना प्लस इंडेंटेड इंडेंटेड जो है वो कोस्ट लाइन होना इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोस्ट लाइन जो कि अब जैसे कि भारत का वेस्टर्न घाट अगर आप देखेंगे ना तो वेस्टर्न घाट से बहुत कम ही ऐसी नदियां हैं जो समंदर को मेनलैंड से कनेक्ट करने का काम करती है यानी क्रीक्स ठीक है तो वो इंडेंटेड कोस्टलाइन नहीं है इंडेंटेड कोस्टलाइन एक ऐसी कोस्ट लाइन है जो कि समंदर से रिवर सिस्टम को जोड़ती है और वो रिवर सिस्टम सीधा जो है वो अन्य अंदर शहरों में आकर जोड़ देता है उसको कहा जाता है इंडेंटेड कोस्ट लाइन ठीक है प्लस शेल्टर्ड बे होने का मतलब शेल्टर्ड बे कुछ इस तरह की होती है ताकि एक बे है उसमें आके शिप्स आकर खड़ी हो जाए और शेल्टर प्रोवाइड हो साइड में जो है वो पहाड़ियाँ हो तो इस तरह की शेल्टर्ड बे इंटेंडिड कोस्ट लाइन यानी ऐसी कोस्ट लाइन की शिप सीधा जो है वो रिवर्स में चढ़ जाए समंदर से आए और सीधा रिवर्स में चढ़ जाए और अंदर शहरों तक चले जाए ठीक है तो इंग्लैंड का जोग्राफिकल फिज़िकल मैप खोल के देखिएगा आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है ठीक है मेरा कॉन्सेप्ट पढ़िए और ख़ुद से रिसर्च करना शुरू कीजिए तभी बेहतरीन चीज तरीके से दिमाग में चीज़ें घुसेंगी इंग्लैंड का फिजिकल पॉलिटिकल मैप खोलिएगा और फिर देखिएगा और सर्च कीजिएगा ये सारे पॉइंट्स की इंटेंडेड जो है वो कोस्ट लाइन क्या होती है शेल्टर्ड बेज क्या होती हैं तो आपको और इंग्लैंड का रिवर सिस्टम देखिएगा एक बार तब आपको समझ आएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग शहर हैं जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंग्लैंड में वो सारे इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट नदियों के आसपास ही बसे थे ताकि वहाँ से प्रोड्यूस तैयार हो नदी में हो नदी में जो है वो रखी हुई कोस्टर या कोस्टल शिप में डाला जाए और सीधा जो है वो समंदर में कोई बीच में रुकावट नहीं तो ये जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंग्लैंड के इसने एनहांस कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पेस को और मोटिवेट किया वहां के मर्चेंट्स को कि गॉड इज इन देयर फेवर एक ये कैपिटलिज्म की स्पिरिट है कैपिटलिज्म की स्पिरिट में एक ये पॉइंट आता है कि अगर सब कुछ पॉजिटिवली हमारे फेवर में हो रहा है सो दैट मीन्स गॉड हैज इंटेंडेड इट तो ये कैपिटलिस्ट लोगों को जो है वो और इन्वेस्ट करने में मोटिवेट कर रहा था तो इंग्लैंड की इंग्लैंड की रिलेटिव जो है वो पीसफुल जोग्राफिकल लोकेशन ठीक है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड यूरोप प्लस इंग्लैंड में रिवर सिस्टम होना और प्लस इंग्लैंड का जो रिवर सिस्टम है वो बहुत बहुत पीसफुली जो है वो समंदर से कनेक्टेड है कोई ज़्यादा डिस्प्यूट वहाँ पर नहीं है रिलेटिवली शांत वहाँ का जो है वो समंदर इंग्लैंड के आसपास का जो समंदर है एटलांटिक ओशन का जो रीजन है वो रिलेटिवली शांत है इतने तूफान वहाँ पर नहीं आते तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्लस बारिश जो है वो इंग्लैंड में बहुत होती है तो जो नदियाँ हैं वो पेरिनियल हैं ठीक है तो पेरिनियल नदियां हैं वो उनमें जो है वो बहुत आसानी से आप शिप्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो तो ये कुछ ऐसे कारण हैं ये कुछ ऐसे जोग्राफिकल कारण हैं जिनकी वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम पकड़ सका और सबसे पहले यहां पर बूम पकड़ा ठीक है सो गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड एन इंटेंडेड कोस्टलाइन शेल्टर्ड बेस अंटिल द स्प्रेड ऑफ रेलवेज ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वज चीपर एंड फास्टर देन बाय लैंड ठीक है रेलवेज एस्टेब्लिश होने से पहले जो ट्रांसपोर्ट है वो किससे होता था वाटरवेज से ऑब्बियसली नेक्स्ट देखिएगा एज अर्स सेवनटीन ट्वेंटी फोर इंग्लिश रिवर्स प्रोवाइडेड एक हजार एक सौ साठ माइल्स ऑफ नेविगेबल वाटर एंड एक्सेप्ट फॉर माउंटेनियस एरियाज मोस्ट प्लेस इन द कंट्री वर विद इन फिफ्टीन माइल्स ऑफ अ रिवर ज्यादा से ज्यादा शहर जो है वो पंद्रह माइल रेडियस के अंदर होते थे किसी ऐसी रिवर के जिसमें ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो देखिए किस रिवर में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है जो चौड़ी हो जो गहरी हो जिसका पानी शांत हो लेकिन बह रहा हो एक डायरेक्शन में ठीक है संकरी रिवर वैली में होगी जो जो ज्यादा गहरी ना हो जिसका उफान बहुत ज्यादा हो जिसमें पत्थर बहुत ज्यादा हो उसमें आप जो है वो नहीं कर सकते ना शिप्स को ट्रेवल तो ऐसी नदियां बहुत सारी अवेलेबल है इंग्लैंड में जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल है ठीक है और मैंने आपको बोला ना इतना सारा इतना इतना बड़ा रिवर नेटवर्क है इंग्लैंड का कि जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटीज हैं वो सारी जो है उनकी प्रॉक्सिमिटी रिवर से बहुत नजदीक है तो बहुत आसानी से ट्रेड हो जाता है और वो सारी की सारी रिवर जो है वो समंदर में जाती है तो बहुत आसानी से वो रिवर जो है वो अपना वो फैक्ट्रीज जो एस्टेब्लिश हुई वो अपना प्रोडक्ट नदियों में डंप कर सकते हैं और नदी में जो कोस्टर शिप्स हैं उनके माध्यम से वो समंदर में पहुंचा देंगे समंदर से बड़ी शिप में जो है वो लोड किया जाएगा और फिर वो एटलांटिक के रास्ते जो है वो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका जाए साउथ अमेरिका जाए मतलब अफ्रीका इंडिया हर जगह जा सकता है ठीक है तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पोजिशन है प्लस एक पॉइंट यह देखिएगा एक माइल्स ऑफ नेविगेबल वाटर बहुत बड़ा नेटवर्क है रिवर का ठीक है सिंस ऑल द नेविगेबल सेक्शंस ऑफ इंग्लैंड रिवर फ्लोज इन टू सी कार्गो ऑन रिवर वेल इजी ट्रांसफर टू कोस्टल कॉल्ड कोस्टर्स ठीक है वही मैंने आपको बोला ना कि सारी की सारी नदियां जो है वो समंदर में जाती हैं तो फैक्ट्रियों से कोस्टर कोस्टल शिप या कोस्टर कहा जाता है उनके माध्यम से समंदर तक कार्गो जो है वो पहुंचा दिया जाता था या समंदर की जो बड़ी शिप्स हैं वो इन कोस्टल शिप्स के माध्यम से फैक्ट्रियों तक सामान को ला सकती थी या शहरों तक सामान को आसानी से ला सकती थी नेक्स्ट देखिएगा सो दिस वी द इंग्लैंड एडवांटेजियस जोग्राफिकल लोकेशन आई होप आपको समझ आया होगा फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंग्लिश का इंग्लैंड का पूरा ग्रेट ब्रिटेन का पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल विद द ड्रेनेज एंड रिलीफ सिस्टम ठीक है और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स प्लस इंपॉर्टेंट आयरन कोल के ओर की माइंस कहां पर हैं ये सारे मैप जो है वो आप एक्सेस करें ठीक है आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस सो पहली चीज तो जोग्राफिकल पोजीशन ही बहुत बेहतरीन थी इंग्लैंड की ऊपर से जो रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल में केवल जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो ही नहीं फ्यूल के लिए जो फ्यूल चाहिए वो भी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है उनके पास इंग्लैंड हैड कोल एंड आयरन और रिजर्व विच एक्टेड एज स्टेपल मटीरियल फॉर मैकनाइजेशन वर प्लेंटीफुल अवेलेबल एज वर अदर मिनरल्स लेड कॉपर एंड टिन देट वर यूज इन इंडस्ट्री अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनें बनानी है और मशीनें जो हैं वो पावर से चलेंगी पावर कौन सी है स्टीम की एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हीट चाहिए हीट कौन देगा कोयला ठीक है सो दैट मीन्स फ्यूल के रूप में कोल और मशीन बनाने के लिए मेटल्स चाहिए आयरन चाहिए लेड चाहिए ठीक है कॉपर चाहिए टिन चाहिए निकल क्रोमियम ये सारी चीजें चाहिए और ये सभी के ही रिजर्व जो है वो इंग्लैंड में अवेलेबल है कुदरती देखिए इंग्लैंड का इतना सौभाग्य है ठीक है ये संयोग है कि इंग्लैंड में ये सारे ओर जो है वो बहुतायत में अवेलेबल हैं और सारी बात छोड़िए बहुत अच्छी क्वालिटी का है ठीक है पूरी दुनिया में से बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कोकिंग कोल एक ऐसा कोल जिससे कोक प्रोड्यूस किया जा सकता है ठीक है और बेहतरीन क्वालिटी का कोक प्रोड्यूस किया जा सकता है वैसा कोल जो है वो इंग्लैंड में नेचुरली अबंडेंस में अवेलेबल है और इतना ही नहीं रिवर नेटवर्क बहुत बेहतरीन होने की वजह से वो जितने भी वो जितने भी माइंस हैं चाहे वो कोल के हों आयरन के हों या अन्य मेटल के हों वो रिवर की इतनी प्रोक्सीमिटी में है कि आपने खदानों से माइन से मिनरल को और को बाहर निकाला उसको प्रोसेस किया वहीं आसपास ही और बहुत आसानी से आप नदी तक ले गए और आसानी से आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया समझ रहे हैं? तो सभी चीजें इंग्लैंड के फेवर में जा रही थी ठीक है अब यहां पर आप ये सोचेंगे कि देखिए और आयरन के और जो जितने भी हेमेटाइट मैग्नेटाइट वो सारे जो है वो अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं और ये कोकिंग कोक क्या होता है या कोक क्या चीज़ है सी ओ सी सी ओ के ई सो कोक का मतलब होता है एक अगर आप कोयले को ठीक है बगैर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप गर्म करते रहेंगे ना तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोयले से कोक कोयले से कोक की कैलोरीफिक वैल्यू है ज्यादा यानी कोक जो है वो कोयले के मुकाबले ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ज्यादा देर तक हीट देगा सो दैट मीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोयले के मुकाबले कोयले के मुकाबले कोक जो है वो रादर आसान है क्यों क्योंकि कम कोक जो है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो एफिशिएंसी ज्यादा है तो फ्यूल जो ज्यादा एफिशिएंट हो फ्यूल जिसकी आउटपुट ज्यादा हो ऑब्वियसली उसको इंडस्ट्री में यूज करना आसान है राइट तो कोक को बनाने में भी तो इन्वेस्टमेंट है ना तो कोक जो है वो आसानी से भी बन जाता है इंग्लैंड में अवेलेबल जो कोल है उससे कोक भी आसानी से बन जाता है एक ये भी एडवांटेज थी इंग्लैंड के पास ठीक है देखिएगा नोटेबली इंग्लैंड प्रोजेस एक्सेलेंट कोकिंग कोल एंड हाई ग्रेड आयरन और ओर बेसिस बेसिन्स ठीक है कोकिंग कोल जो है वो एक्सेलेंट क्वालिटी का इंग्लैंड में अवेलेबल था एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा नेक्स्ट चीज दीज वर वो क्लोज टू पोर्ट्स देर वर फाइव कोस्टल कोल फील्ड्स प्रोडक्ट स्ट्रेट टू द शिप्स पांच ऐसी कोल फील्ड थी जो सीधा समंदर में अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकती थी ठीक है रेडी टू गो रेडी टू शिप सो ये जो जोग्राफिकल पोजिशन और जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा हुआ है इंग्लैंड में इन सारी चीजों ने फेवर किया इंग्लैंड का ठीक है और वहां की जो भी एरिस्टोक्रेसी है वहां की जो भी गवर्नमेंट है उसने पोट्रे कैसे किया कि देखो गॉड इज विद गॉड इज विद इंग्लैंड इंग्लैंड इज ग्रेट बिकॉज गॉड इज़ विद क्यों क्योंकि ये सारी जोग्रफिकल ये सारी ये जो पूरा का पूरा जोग्रफिकल और पॉलिटिकल सीनार्यो है हमारा प्लस ये जो पूरा का डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का और उसका ये सब हमारे फेवर में जाता जा रहा है ठीक है तो ये जो और प्लस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड से नई भारत जो मिल गया उन्हें और भारत में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उससे अंग्रेजों को फायदा हो गया वहां से उन्होंने पैसा कमा लिया इन सारी चीज़ों से जो अंग्रेजी मर्चेंट और अंग्रेजी एरिस्टोक्रेसी उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिला उनको ऐसा लगा कि हमारी फेवर में ही जाता जा रहा है सब कुछ तो गॉड मस्ट बी ऑन आर साइड तो कैपिटलिस्ट जो है वो और इन्वेस्ट करने लगे वो ये समझने लगे कि इन्वेस्ट करना जो है वो गॉड को खुश करना हो गया कुछ इस तरह की भावना आई उनके अंदर नेक्स्ट देखिएगा सिंस द कोल फील्ड वर नियर द कोस्ट शिप बिल्डिंग इंक्रीज एज डिड शिप ट्रेड ठीक है अब ये कोल फील्ड जो है वो कोस्ट के नजदीक हैं देखिए लोहे को ले जाना कोयले को ले जाना ऑब्वियसली भारी पड़ेगा और भारी सामान को ले जाने के लिए बड़ी शिप चाहिए सो so, कोल को बेचना कोल को मनुवर करना कोल को ट्रांसपोर्ट करना उस वो एक क्या है नेसेसिटी है यानी कि फिर से नेसेसिटी आई दैट मीन्स इन्वेंशन होगा फिर से नेसेसिटी क्या है बड़ी शिप्स का तो बड़ी शिप्स का अब इन्वेंशन हुआ तो शिप बिल्डिंग जो है वो और इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द कोल ट्रेड या कोल फील्ड्स की प्रॉक्सिमिटी जो समंदर के आ, समंदर से थी उस वजह से बड़ी शिप्स बनी क्योंकि उन बहुत सारा कोल जो डायरेक्ट समंदर के नजदीक पहुंच जाता था उस बहुत सारे कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ी शिप्स की आवश्यकता थी नेक्स्ट देखिएगा प्रेसिडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक तो नेचुरल रिसोर्सिस ठीक है अब मैंने आपको बताया ना कि वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा वर्ल्ड ट्रेड से इकॉनमी जो है वो बूम हुई तो इंग्लैंड के जो अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी या वेस्ट इंडिया में जो ट्रेड कर रहे थे इंग्लैंड के मर्चेंट्स वो उन्होंने भारत से बहुत पैसा कमाया इंग्लैंड की सरकार ने भी उनके माध्यम से भारत से वेस्ट इंडीज से बहुत ज्यादा पैसा कमाया ठीक है अब इस पैसे को इन्वेस्ट करना है उन्हें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है हमें मशीनें जो है वो डेवलप कर रहे हैं ठीक है सो दैट मीन्स अब उनको जो है वो लेबर चाहिए बहुत सारा लेबर कहाँ से आएगा उनकी जो आम जनता है वहाँ से अब आम जनता को अब ये जो है वो नया नहीं है जो जो भी मतलब कहीं भी हुआ है चाहे वो इंग्लैंड में हुआ है एशिया के अन्य कई कंट्रीज में हुआ है चाहे वो भारत में हो चाहे वो चाइना में हो हर जगह हुआ है अगर आपको लेबर चाहिए ना बहुत ज़्यादा तो जनता को आपको जो है वो अनएम्प्लॉयड बनाना पड़ेगा तभी एक ऐसा लेवल आएगा कि बहुत सारे जब अनएम्प्लॉयड लोग होंगे और तब आप उनको जो है वो लेबर ऑफर करोगे तो वो चीप लेबर के रूप में काम करने को तैयार हो जाएंगे ठीक है तो कुछ उसी तरह की सिचुएशन इंग्लैंड में प्रिपेयर करने की कोशिश की गई उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से देखिए क्या किया उन्होंने तो इंग्लैंड के मर्चेंट्स ने जो वर्ल्ड ट्रेड हुआ जो जोग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड हुआ वहाँ से जो पैसा कमाया उन्होंने इंग्लैंड में इंग्लैंड जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे जो कानून मिले उन्हें उनसे जो सहायता मिली उसके तहत उन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी और जितना भी खलीसा लैंड था ना वहाँ का जो भी खाली भूमि थी जहाँ पर चरवाहे अपने जानवरों को चराया करते थे ठीक है या जहाँ जहाँ पर भी छोटे किसानों की भूमियाँ थी उन सबको बड़े मर्चेंट्स ने ख़रीद लिया और बड़े बड़े प्लांटेशंस तैयार हो गए अब उन बड़े बड़े प्लांटेशंस की वजह से ठीक है अब जमीनें जो हैं वो ज़्यादातर बड़े किसानों ने खरीद ली बड़े मर्चेंट्स ने खरीद ली बड़े बड़े प्लांटेशंस तैयार हो गए तो उस जमी उन जमीनों पर जो भी खेती करते थे या पशु चराने पशु चराकर जो गुजारा करते थे जो भी वहाँ के किसान या पीजेंट्री वो सब क्या हो गया लैंड हो गया अब वो लैंडलेस है तो कुछ समय बाद रोज़गार के लिए उनको जो है वो देखना पड़ा या रोज़गार के लिए बढ़ना पड़ा शहरों की तरफ क्योंकि शहरों में धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ डेवलप हो रही थी शहरों में उनके लिए रोज़गार जो है वो फैक्ट्रियों में अवेलेबल था लेकिन फैक्ट्रियों की हालात बहुत ज़्यादा बुरी थी अगला सेशन लेकर आऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्रियों की हालातों पर फैक्ट्रियों की हालात बहुत ज़्यादा बुरी थी ठीक है क्यों क्योंकि कैपिटलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए था तो यहां पर आप देखेंगे जो अंग्रेजी मर्चेंट हैं अंग्रेजी जो पूंजीपति हैं और अंग्रेजी जो एरिस्टोक्रेसी है क्योंकि एरिस्टोक्रेसी होगी गरीब और पूंजीपति हो गए अमीर वो रॉयल फैमिली से अमीर हो गए तो रॉयल फैमिलीज को अगर अपना टाइटल बचा कर रखना है तो उन्हें पूंजीपतियों को जो है वो कुछ शक्तियां देनी ही पड़ी हैंस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ठीक है पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ और वो सारी चीजें हुई जो पूंजीपति है उनके पास जो है वो अब पॉलिटिकल शक्तियां आई तो उन्होंने कानून ऐसा बनाया और ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया कि ज्यादा से ज्यादा लैंडलेस और डेस्परेट गरीब जो है वो जनसंख्या इकट्ठा हो गई और अब उन मर्चेंट्स ने ऐसी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी जिनमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहते थे वो तो कम से कम जो है वो तनख्वाह देकर उन्होंने उन मजदूरों से मजदूरी करवानी शुरू कर दी मजदूरों में आदमी औरत बच्चे सभी शामिल थे ठीक है और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने कहा है ग्लोरिफाई किया है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से आइए इसी पॉइंट को समझते हैं तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट सो पहला पॉइंट देखिएगा इंग्लैंड हैड बीन इंग्लैंड हैड बीन थ्रू अ मेजर इकोनॉमिक चेंज लेटर डिस्क्राइब एज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन दिस वॉज द प्रोसेस बाय विच बिगर लैंड लॉर्ड हैड बॉट अप स्मॉल फार्म नियर देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड इन द विलेज कॉमन लैंड्स दस क्रिएटिंग वेरी लार्ज एस्टेट्स एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन जो कॉमन लैंड हुआ करते थे कॉमन लैंड ऐसे जंगल खलीसा भूमि जहां पर जो है वो सब जाके अपने जानवरों को चरा रहे हैं और वो सब चीज़ें कर रहे हैं तो गांव के आज भी गांव के कॉमन लैंड होते हैं ना हमारे जो भी गांव होते हैं उनके बाहर ऐसी भूमि होती है जहां पर सभी जो है वो जाकर जानवर चरा सकते हैं तो ऐसे कॉमन लैंड को एक्वायर करना शुरू कर दिया तो मर्चेंट क्यों एक्वायर कर सके जो बड़े किसान है वो क्यों एक्वायर कर सके क्योंकि वहां की सरकार ने सपोर्ट दिया उन्हें सरकार सपोर्ट क्यों दे रही है वहां के जो एरिस्टोक्रेसी है वो सपोर्ट क्यों दे रही है क्योंकि मर्चेंट्स जो है वो एरिस्टोक्रेसी से अमीर हो चुके हैं सो so, एरिस्टोक्रेसी को जो क्राउन को वहां पर अपना नाम जो बचाकर रखना है वहां की रॉयल फैमिलीज को जो अपना नाम बचाकर रखना है अपना जो रॉयल ऑर्डर बचाकर रखना है तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा शक्ति में किससे मर्चेंट से हैंस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्लडलेस रेवोल्यूशन चुपचाप हो गई उन्होंने अंडर द टेबल डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो शक्ति का हस्तांतरण मर्चेंट्स को करते हैं और पार्लियामेंट वहां पर प्यार से एस्टेब्लिश हो गई सारी चीजें समझाऊंगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन पर टॉपिक लेकर आऊंगा लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग जनरेट कीजिए क्यों होती है घटनाएं क्या होता है ग्लोबल प्रोसेस सस्ता मजदूर प्रिपेयर करने का क्यों सस्ता मजदूर प्रिपेयर करना जो है वो सरकारों की मजबूरी बन जाती है ठीक है देखिए जब सरकार से ज्यादा स्ट्रांग वहां का मर्चेंट हो जाता है ना वहां के किसी भी सरकार किस कोई किसी भी तरह की सरकार हो चाहे मोनारकी हो डेमोक्रेसी हो ठीक है किसी भी तरह की सरकार गवर्नमेंट सिस्टम से जब मजबूत वहां के कैपिटलिस्ट हो जाएंगे ना तो सरकार पर वो हावी हो जाता है और सरकार को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए ठीक है सरकार को ध्यान से सुनिएगा किसी भी देश में जब वहां के कैपिटलिस्ट वहाँ के पूंजीपति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं इतने ज्यादा कि वो डिसाइड कर सकते हैं अपने पैसे के दम पर कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी सरकार नहीं आएगी तो सरकारों को उन कैपिटलिस्ट के नाम पर करना पड़ता है सब कुछ ताकि ताकि वो चाहे वो किसी भी तरह का चाहे वो रॉयल फैमिली के हों चाहे वो हो सकता है कि थ्रू द प्रोसेस नेता बने हों ठीक है उन सबको अगर सत्ता में रहना है तो उनको कैपिटलिस्ट लोगों की बात माननी पड़ती है अदरवाइज़ उन कैपिटलिस्ट लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको वो वो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी और को बिठा देंगे ठीक है तो यही इंग्लैंड की रॉयल फैमिली की रॉयल जो भी वहां की रिस्टोक्रेसी थी उसके सामने दुविधा थी कि जो मर्चेंट्स है वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं वो हमें हटाकर खुद बैठ जाएंगे किसी और को बिठा देंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ता जो कि वहां पर हुआ भी ठीक है जो डच प्रिंस विलियम है उसको बिठा दिया गया और वहां का जो शासक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन में इंग्लैंड के शासक को चुपचाप जो है वो गद्दी से उतरना पड़ा ठीक है तो खैर जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन समझाऊंगा तब वो चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट चीज देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस फोर्स लैंडलेस फार्मर्स एंड दोज हु लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन द कॉमन लैंड टू सर्च फॉर जॉब एल्सवेयर मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाय टाउन एंड स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज ठीक है तो लैंडलेस फार्मर्स और ऐसे जो पशुचारक थे उनकी आमदनी हो गई खत्म आमदनी खत्म हो गई तो वो गरीब हो गए गरीब हो गए तो अब उनके पास एक ही चारा बच्चा दो ही चारे बचे या तो भूख से मर जाए ठीक है रिवॉल्ट करने की क्षमता में वो थे नहीं उनके पास रिसोर्सेज थे नहीं प्लस इंग्लैंड ने इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया था अपने अपने राष्ट्र को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया था कि इंग, इंग्लैंड की जनता के अंदर वो भावना ही नहीं थी कि हम अपनी एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं ठीक है लोगों का हनन कर रही है इंग्लैंड की गवर्नमेंट ठीक है लेकिन उन लोगों के अंदर इतना जो है वो मानसिक बल नहीं है इतना जो है वो उनके पास सामर्थ्य नहीं रहा ठीक है और ये इच्छा ही नहीं क्योंकि उनको जो है वो पिछले 200 सालों से यही घुट्टी पिलाई जा रही थी कि इन द नेम ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर इन द नेम ऑफ जो है वो हमारे किंग और क्वीन जो है वो हमें गॉड ने ब्लेस किया है कि हमारे पास इतने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सारी चीज़ें जो है वो इतना पॉजिटिव हो रही हैं तो आइए जुड़िए हमारी मुहिम के साथ तो लोग जो है वो प्राइड है प्राउड है अपनी सरकार को लेकर ठीक है लोग जो है वो जुड़े हुए हैं प्यार करते हैं अपने लीडर्स से और इस प्यार में वो इतना अंधे हो गए हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे कि वो लीडर्स जो है वो मजबूरी में आकर वो इतने कमज़ोर है हैं वो लीडर्स वहाँ के शासक इतने कमज़ोर हैं कि वो मर्चेंट्स के उन कैपिटलिस्ट के आगे झुक गए हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए उनको मजबूरी में विद द स्माइलिंग फेस करना पड़ रहा है सब कुछ ठीक है सो ऐसी सिचुएशन वहाँ पर इंग्लैंड में बनी हुई थी तो जनता जो है वो लगी हुई है मतलब जनता जो अब जनता के आगे पास चारा क्या रहा जनता रिवोल्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है मोटिवेटेड इन द सेंस इस तरह है कि वो जो है वो इंग्लैंड को लेकर इतना प्राउड है कि हम इंग्लैंड में हैं तो हम कैसे रिवोल्ट कर दें सब कुछ ठीक तो है ठीक है सब कुछ ठीक उनको लग रहा है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था तो वो लैंडलेस होते गए और इसीलिए धीरे धीरे दे मूव टू द फैक्ट्रीज अब जो मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हर जनता पर अवेलेबल हो लेकिन ये काफ़ी शहरों में काफ़ी कॉमन जो है वो बना हुआ था ये धारणा क्योंकि जो शहरों में शहरों में वही लोग रह पा रहे थे जो अच्छा ट्रेड कर रहे थे और जो अच्छा ट्रेड कर रहे थे वो सब जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड थे गवर्नमेंट द्वारा जो है वो उन्हें क्या मिल रहा था प्रोटेक्शन भी मिल रहा था और ऐसी ऐसी उन्हें कानूनी शक्तियाँ भी मिल रही थी जिससे वो अब एक्सप्लॉयटेशन आम जनता का कर पा रहे थे और आम जनता जो है वो इतना गरीब और इतना असमर्थ था कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकता और जो समर्थ क्लास थी वो सरकार के साथ जुड़ी हुई थी वो एक्सप्लॉयट करने लगे हुए थे ठीक है तो ये काफ़ी बेहतरीन सर्कल था इसको इन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का नाम देकर ग्लोरीफाई करा हुआ है नेक्स्ट देखते हैं अगला कारण है न्यू इन्वेंशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक है नए अब ऐसे नए इन्वेंशन क्या क्या हुए जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से वो इन्वेंशन ब्रिटेन में ज्यादा हुए क्योंकि जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पर बेहतर तरीके से लोग जो है वो अपने सोच को जो है वो अपने इमेजिनेशन को अपने जो भी जो भी उनका साइंटिफिक टेम्पर है उसका बेहतर यूज कर सकते हैं और ब्रिटेन वॉज रिलेटिवली पॉलिटिकली स्टेबल देन मीनलैंड यूरोप तो देखते हैं पीरियड ऑफ सेवरल न्यू इन्वेंशन विच प्रॉमिस्ड टू रेवोल्यूशनाइज प्रोडक्शन सच एज पावर लूम स्विंग मशीन स्टीम इंजिन स्टीम मशीन ब्लास्ट फोरनेस एन लोकोमोटिव इस पीरियड में ये कुछ बुखे मशीने बनी पावर लूम क्या होता है लूम होता है कपड़ा बनाने वाले जो हम हाथ से बुनते थे ना कपड़ा पावर लूम मशीन से कपड़ा बनाना ठीक है सीविंग मशीन मशीन से कपड़े को सीलना स्टीम मशीन स्टीम पावर का यूज करके मशीनें बनी अब देखिए ऐसी खदानें जहां से कोयला लगातार निकाला जा रहा है लोहा लगातार निकाला जा रहा है और मैं बोल रहा हूं ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप ज़मीन खोद रहे हैं बारिश हो रही है तो उन माइन्स में क्या भर रहा है पानी तो अगर आपको वहां पर अपने अपने जितने भी लेबर्स हैं उनको लगाकर रखना है तो उस पानी को निकालना भी पड़ेगा तो उस पानी को निकालेंगे बाल्टी बाल्टी भर के तो निकालेंगे नहीं तो आपको पंप बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले जो स्टीम का पिस्टन बना उसने क्या काम किया उसने पंप्स का काम किया तो वॉट ने जो डेवलप किया है ठीक है वॉट ने जो पंप डेवलप किया है उसने माइन से पानी निकालने का काम शुरू किया वही धीरे धीरे जो है वो वही सेम पिस्टन वही सेम प्रोसेस जो है वो धीरे-धीरे स्टीम स्टीम इंजन इंजन में यूज हुआ बट सबसे पहले स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया था माइंस में जो पानी जमा हो जाता था जो खदानों में पानी जमा हो जाता था उस पानी को पंप आउट करने के लिए ठीक है तो स्टीम मशीनें बनी जैसे कि पंप स्टीम इंजिन बना ब्लास्ट फर्नेस बनी ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि बहुत सारा जो है वो लोहा निकाला जा रहा था आयरन और निकाला जा रहा है उस आयरन और की स्मेल्टिंग करनी है तो स्मेल्टिंग करने के लिए जो है वो ब्लास्ट फर्नेस ज्यादा मान लीजिए आपको लाखों टन जो है वो लोहा प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपको बड़े बड़े फर्नेस बनाने पड़ेंगे ना तो ब्लास्ट फर्नेस डेवलप हुए और अब ये जो लाख अब ये जो लाखों टन जो है वो सोना बन रहा नॉट सोना लेकिन लोहा प्रोसेस कर रहे हैं आप कोयला प्रोसेस कर रहे हैं इतनी सारी फैक्ट्रीज लगाई आपने कपड़ा बनाया इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे आप समंदर के रास्ते नदियों के रास्ते ठीक है तो वह आपको रिलेटिवली तेज पड़ रहा है ज़मीन पर ले जाना लेकिन जब रेलवेज बन गए देखिए रेलवे जो है वो स्टीम इंजन के आने से पहले भी था रेलवे का मतलब क्या है कि दो लोहे के पटरे लगाए उस पर अगर आप टायर को रखें व्हील को रखें तो वो जमीन के मुकाबले तेजी से चलेगा ठीक है दिस इज रेलवे ये रेलवे का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दो लोहे की सलाखें अगर आप रख दोगे उसके ऊपर अगर आप टायर को सही तरीके से फिट करते हो तो वो जमीन के मुकाबले वो टायर उन लोहे की सलाखों पर तेज चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा ऑब्वियसली ठीक है और वो इधर उधर फ्रिक्शन कम, कम होगा और वो इधर उधर नहीं जाएगा कंट्रोल्ड रहेगा ठीक है इसीलिए रेलवे क्या है रेलवे इज फास्टर देन जमीनी जो है वो ट्रेड उससे ठीक है लेकिन रेलवे जो है वो प्रेजेंट डे रेलवे या उस समय जो कामयाब रहा रेलवे वो लोकोमोटिव के डेवलप होने के बाद यानी स्टीम इंजन के डेवलप होने के बाद लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे पहले नहीं था वो जो रेलवे यानी कि लोहे की पटरियां बिछाकर उस पर जो है वो कोचेज आपने रख दिए और स्टील के पहिए लगा दिए वो फंडा पहले भी था और घोड़ों से उन का उन कोचेस को जो है वो घसीटा जाता था तो आप सर्च कीजिएगा हॉर्स रेलवे क्या होता है आपको एक बहुत अच्छी इमेजेस देखने को मिलेंगी ठीक है हॉर्स रेलवे स्टीम इंजन आने से पहले था लेकिन जब स्टीम इंजन आ गया और उन उन लॉरियों पे उन जो है वो डब्बों पे जब आगे इंजन जोड़ दिया गया और उसने जब बहुत तेजी से उन सारे डब्बों को जो है वो खदानों से कोस्टल लाइन तक पहुंचाना शुरू किया तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में भी बूम आया ठीक है तो मैंने प, बताया ना आपको इकॉनमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन भी है क्योंकि रॉ मटेरियल है आपके पास लेबर है रॉ मटेरियल और आपके पास कैपिटल है आपने रॉ मटेरियल और कैपिटल का यूज करके प्रोडक्ट तो तैयार किया लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी तो होना चाहिए ना सो रेलवे प्लेड अ की रोल प्लस रॉ मटेरियल को कैपिटल तक पहुंचाने के लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है ना तो रेलवे प्लेड अ की रोल और बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव रेलवेज वर डन बाय हो राइट घोड़ों का इस्तेमाल करके जो है वो रेलवेज चला करते थे खैर नेक्स्ट देखिएगा फर्दर ब्रिटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गेव द कंट्री अ ट्रिमेंडस एडवांटेज ओवर इट्स नेबर्स तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई और नेबर कौन कौन है पुर्तगाल है स्पेन है फ्रांस है जर्मनी बेल्जियम स्विट्जरलैंड इटली रशिया पुरुषिया ये सारे जो हैं वो क्या हैं नेबर्स थे इन नेबर से दूर है इंग्लैंड अपना और अपना अलग ट्रेड कर रहा है ठीक है नेक्स्ट चीज दो ब्रिटेन टुक पार्ट इन मेनी वॉर्स ड्यूरिंग सेवनटीन हंड्रेड्स नन ऑफ दीज स्ट्रगल्स अकर्ड ऑन ब्रिटेन सोइल अब सेवनटीन हंड्रेड्स यानी अठारवी शताब्दी में बहुत सारे युद्ध हुए ऑस्ट्रिया के एक्सेशन का युद्ध चला ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ठीक है पुरुषिया भी उसमें उतरा जर्मनी बेल्जियम इन सब ने जो है वो स्पेन बहुत मतलब यूरोप में अठारवीं शताब्दी में युद्ध चलते रहे फिर उन्नीसवीं शताब्दी में अठारहवीं शताब्दी में युद्ध चलते रहे फिर बाद में नेपोलिक वॉर्स हुई बहुत सारी चीजें हुई लेकिन ब्रिटेन पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ा ब्रिटेन ने अपने सैनिक भेजे वहां पे लेकिन ब्रिटेन की भूमि पर वो युद्ध नहीं आया तो ब्रिटेन में जो भी ट्रेड है वो उसी तरह से चलता रहा ठीक है सो भले ही ब्रिटेन ने सत्रहवीं अठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी में युद्धों में पार्टिसिपेट किया हो लेकिन ब्रिटेन की भूमि पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ इस वजह से उनका खुद का ट्रेड कभी नहीं रुका ठीक है तो उनके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही बाकियों में नहीं बनी रही इसलिए उनका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो जल्द और तेजी से कामयाब हुआ एक ये भी कारण भी है नेक्स्ट देखिएगा फर्दर मोर देअर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सक्सेसिस गेव द ब्रिटिश पॉजिटिव एटीट्यूड भारत में कैरनेटिक वॉर्स में फ्रांस को हराना यूरोप में फ्रांस को हराना स्पेन को हराना पुर्तगाल को हराना ठीक है तो ये जो मिलिट्री सक्सेस लगातार ब्रिटेन को मिलती रही और ये मिलिट्री सक्सेस ब्रिटेन को क्यों मिलती रही देखिए दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है एक दूसरे पर जो है वो है वो मिलिट्री सक्सेस ब्रिटेन को इसलिए मिलती रही क्योंकि उनका ट्रेड जो है वो कभी रुका नहीं ट्रेड कभी क्यों नहीं रुका क्योंकि मिलिट्री सक्सेस हमेशा मिलती रही उनका जो है वो मनोबल हमेशा बना रहा समझ रहे हैं आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ग्रोथ ऑफ द कैपिटल इन इंग्लैंड नेक्स्ट अब इंग्लैंड में अच्छा एक लास्ट पॉइंट यहां पर रह गया पार्लियामेंट ऑल्सो दैट प्रोटेक्टेड बिजनेस एंड हेल्प एक्सपेंशन अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में है कौन वही मर्चेंट्स के प्रतिनिधि तो हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कौन है उन्हीं मर्चेंट्स के प्रतिनिधि या वो मर्चेंट खुद होंगे या तो उनके प्रतिनिधि होंगे इसी तरह डेमोक्रेसी काम करती है उस समय राइट कर रही थी सो so, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो मर्चेंट्स या मर्चेंट्स के प्रतिनिधि जो बैठे हैं उन्होंने इस तरह के कानून बनाए कि सहायता केवल और केवल ब्रिटेन के पूंजीपतियों को हो सो so, इसकी वजह से इसका मतलब ये कि ब्रिटेन में जो है वो ट्रेड बढ़ता ही गया ब्रिटेन का ट्रेड जो है वो बढ़ता ही गया और सरकार का पूरा का पूरा बैकअप था क्योंकि वहाँ की रॉयल क्लास को अपना रॉयल टाइटल बनाकर रखने के लिए वहाँ के मर्चेंट्स की जरूरत थी तो उनका एक अच्छा सिम्बॉइसिस वहाँ पर बना हुआ था तैयार था वो हमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन से ही नजर आया नेक्स्ट देखिएगा अब कैपिटल की ग्रोथ जो है वो किस तरह हुई सेंटर ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वॉज बैंक ऑफ इंग्लैंड फाउंडेड इन सिक्सटीन फाइनेंशियल सिस्टम अब देखिए अब ब्रिटेन में ब्रिटेन ने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ब्रिटेन ने इतनी सारी कॉलोनीज को इतना सक्सेसफुली जो है वो मैनेज क्यों किया क्योंकि ब्रिटेन हैज एंटिसिपेटेड द नीड ऑफ अ स्टेबल इकोनोमी बहुत पहले ही बाकी सब राष्ट्रों से बहुत पहले ही ब्रिटेन ने एक स्टेबल इकॉनमी होनी चाहिए हमारे पास भी इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लिया था से लेकिन पहले सबसे पहले शुरुआत जो है वो इस चीज़ की डचों ने करी ठीक है हम नीदरलैंड्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं लेकिन अगर आप नीदरलैंड्स की वी को यानी कि नीदरलैंड की जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसको अगर आप पढ़ेंगे या नीदरलैंड के अगर आप जितना भी सिस्टम उसको समझेंगे तो आप देखेंगे नीदरलैंड जो है वो इंग्लैंड से ज़्यादा अमीर था और नीदरलैंड का बैंकिंग सिस्टम इंग्लैंड से बेटर है आज भी ठीक है भले ही मतलब खैर प्रेजेंट डे बैंकिंग सिस्टम पर आगे आएंगे लेकिन उस समय का नीदरलैंड ने शुरुआत करी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नली बैंकिंग की शुरुआत जो है वो नीदरलैंड से हुई है लेकिन उसी पॉलिसीज को बगैर शर्माते हुए इंग्लैंड ने तुरंत अडॉप्ट किया क्योंकि उन्हें समझ आया कि एक एक सेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश हो गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे भारत में आर है वही इंग्लैंड में अन्य सभी बैंक्स को निर्देशन प्रोवाइड करता था कि आपको इस दर पर जो है वो इस इस दर पे लोन देना है ये मतलब इंटरेस्ट रेट वो सारी चीजें जो है वो गवर्न करनी शुरू कर दी यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी एक सेंट्रलाइज बैंक जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया अंग्रेजों ने इंग्लैंड ने राइट सो इकोनॉमिक सेक्टर में सेंट्रल अथॉरिटी होना समझ रहे हैं आप देखिए मैंने पिछले सेशन में एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर की, का नाम बताया था जिसने जिसने सरकार के तीन जो है वो मुख्य क्या होने चाहिए सरकार को तीन मुख्य तीन मुख्य भागों में बांट दो एग्जीक्यूशनरी लेजिस्लेशन और जुडिशरी मुझे आप उसका नाम बताइए कमेंट के माध्यम से तो इस तरह के थिंकर्स जो है वो ब्रिटेन में पहले भी थे और यूरोप में पहले भी थे राइट सो दैट मीन्स सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए इकोनॉमी की ये आइडिया जो है वो ब्रिटेन को बहुत पहले से पता था और ब्रिटेन के मर्चेंट्स जो हैं वो भली भांति जानते थे कि आपस में लड़कर कुछ नहीं होगा हमें पूरे ग्रेट ब्रिटेन को पूरे जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइट करके रखना पड़ेगा तभी हम सभी मिलकर ट्रेड कर सकते हैं अनलाइक इंडिया इंडिया का हर एक शासक जो है वो अपने लिए ग्लोरी चाहता था उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कलेक्टिवली जो है वो एक दूसरे की सहायता करें तो भारत से जा अगर भारत के लीडर्स कलेक्टिवली एक दूसरे की सहायता करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक बनाए थे ना तो आज ग्लोबल सुपर पावर इंडिया होता कोई नहीं अगर इंडिया को रोक सकता था कोई भी नहीं इतने रिसोर्सेज थे इंडिया के पास ऐसी जोग्राफिकल ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की ही जोग्राफिकल पोजीशन जो है वो इतनी वो थी इंपॉर्टेंट थी ठीक थी। है भारत की ज्योग्रफिकल पोजिशन भारत की भारत के पास भी तो रिवर सिस्टम है बहुत बेहतरीन है सीधे समंदर में जा रहा है भारत का जो जोग्रफिकल जो लोकेशन है ईस्ट इंडिया ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है ठीक है भारत के पास जो है वो तीन साइड तो नेचुरल बॉर्डर है बहुत बहुत बेहतरीन जोग्रफ़िकल पोजिशन है इसीलिए भारत एक समय पर बहुत अमीर भी हुआ लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भारत में एस्टेब्लिश नहीं हो सकी और ब्रिटेन के सभी मर्चेंट्स ने सर्व सहमति से वो पॉलिटिकल इस्टबलिशी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करने की जो है वो कोशिश करी और वो कामयाब भी रहे ठीक है तो ये जो दूरदर्शिता है मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भारत के शासकों में दूरदर्शिता नहीं थी वो आपस में लड़ते रहे आपस की जो उनकी ईगो है वो क्लैश होती रही ठीक है और जबकि जो ब्रिटेन के मर्चेंट है उन्होंने एक दूसरे के जो है वो साथ मिलकर काम करना सही समझा ठीक है तो उन्होंने और जनता को कंट्रोल करने के लिए क्राउन की इंपॉर्टेंस बनाकर रखी ताकि इन द नेम ऑफ क्वीन जो है वो लोग करते रहे सब कुछ और पीछे बैठे जो मर्चेंट हैं वो पार्लियामेंट को मैंडेट कर सकें

बिल्कुल बशरते वो सब कुछ स्टडी करके देते हैं सर घाटे में कौन सौदा कर करना चाहता है राइट सो so, बैंक्स की संख्या बढ़ने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में मर्चेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जो कि पैसे का लेना देना जो है वो बढ़ा रहे हैं यानी कि पैसे का इन्फ्लेक्स जो है वो बढ़ रहा है यही हमें नज़र आता है कि कैपिटल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बूम कर रहा है इंग्लैंड में कैसे नज़र आता है क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारे बैंक्स हमें एस्टैब्लिश होते हुए दिखे 1784 तक सो थे और अन्य अगले 10 साल में ये ट्रैबल हो मतलब ट्रिपल हो गए बाई एटीन हंड्रेड देर वर मोर देन सिक्स हंड्रेड बैंक इन द प्रोविंस एंड ओवर हंड्रेड बैंक इन लंडन लोन छह सौ बैंक प्रोविंस में और सौ बैंक जो है वह लंडन में अब यह बैंक करते क्या थे इसे एक स्टेटमेंट से समझते हैं लास्ट जो स्टेटमेंट है द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एक्स एंटरप्राइजेस वर मेट बाय दीज बैंक्स अब देखिए किसी किसी कैपिटलिस्ट के पास पूंजी है लेकिन इतनी नहीं है कि वो मार्केट में कंपीट कर सके यहाँ पर वो आते हैं बैंक्स वो बैंक्स उसको जो है वो पूंजी प्रोवाइड करेंगे अब देखिए बैंक कर क्या रहा है बैंक जो है वो लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा है और बड़े पूंजीपति को दे रहा है कि लो इन्वेस्ट करो ठीक है बड़ा पूंजीपति जो उस पैसे को डबल करके दे रहा है वो बैंक को दे रहा है उसमें से बहुत छोटा छोटा हिस्सा बैंक अपने ग्राहकों को दे रहा है तो बैंक बेसिकली क्या कर रहा है पैसे को चैनलाइज करके मुनाफा कमा रहा है ठीक है और काम कौन कर काम कौन कौन कर रहा है एक्चुअल काम वो लोग जो उस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और वो लोग जो बैंक से उधार लेकर आगे बिजनेस कर रहे हैं बैंक केवल पैसे को चैनलाइज करने का काम कर रहा है बहुत बेहतरीन बिजनेस है बैंक का बहुत बेहतरीन ठीक है बहुत देखिए थ्योरेटिकली सुनने में बहुत आसान लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन मुनाफा बहुत ज़्यादा है और रिलेटिव मेहनत कम है ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में खासकर लेकिन खैर खैर आज का जो जितना टफ है माहौल जो मालिक हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है मेहनत लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं वो तो दिन रात लगे हुए हैं ठीक है और बहुत कम जो है वो हिस्सा कमा पा रहे हैं वो अपनी मेहनत का जित और उनके मालिक जो हैं वो कूट रहे हैं ठीक है ठीके? आप इन्वेस्ट आप देखिएगा ठीक है जो मैं ये बोल रहा हूँ ना आप ना दुनिया के जितने बड़े बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं ना उनको एक बार उन सर्च कीजिएगा उनके जो मालिक हैं उनके जो सी हैं उनके जो भी मतलब जिनके भी वो बैंक हैं देखिएगा उनकी कितनी कमाई है और वहाँ के एक एवरेज एम्प्लॉय की कितनी कमाई है फर्क दी जाएगा आपको ठीक है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ आ जाएगी आपको नेक्स्ट चीज़ देखिएगा सो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स लास्ट पॉइंट देखें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस वर मेट बाय दीज बैंक्स नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारे सामने कि कलोनियल पोजेशन ऑफ इंग्लैंड अब इंग्लैंड की जो कलोनियल पोजेशन है उन्होंने किस तरह मदद करी इंग्लैंड के इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बूम में तो आइए पहला पॉइंट देखिए देखते हैं बाय द मिड ऑफ एटीन सेंचुरी इंग्लैंड हैड अक्वायर्ड अ प्लेंटी ऑफ कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड विच वर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स फैक्ट्रीज एंड नेटिव पॉपुलेशन कुड बी यूज्ड एज लेबरर्स इन फैक्ट्रीज देखिए अट्ठारवी शताब्दी यानी 1750 के बाद ही तो भारत में उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल अधिकरण शुरू किया तो भारत से बंगाल से जो पैसा उन्हें मिला ठीक है बंगाल से जो लेबर उन्हें मिला बंगाल से छोटे नागपुर वाले क्षेत्र से जो उन्हें क्या मिला रॉ मटेरियल जो रिसोर्सेज उन्हें मिला ठीक है उसी तरह जो महाराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है यहां से जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज लेबर कैपिटल दक्षिण भारत से रॉ मटेरियल लेबर कैप यानी कि कैपिटल जो उन्हें मिला और रॉ मटेरियल जो उन्हें मिला वो सब वो ले गए कहाँ पर इंग्लैंड में इंग्लैंड में उससे उन्होंने प्रोसेस किया और प्रोडक्ट तैयार करके भारत लाकर बेच दिया तो अकेली भारत ही उनकी कॉलोनी नहीं थी साउथ ईस्ट एशिया में भी थी उसके अलावा चाइना में भी छोटा सा उनका हांगकॉन्ग था उसके अलावा दक्षिण दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के अन्य क्षेत्र में भी ठीक है इजिप्ट वगैरह भी पूरा उन्हीं का ही सोमालिया वगैरह उन्हीं का ही दक्षिण अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में भी पूरी उनकी कॉलोनीस तो बेसिकली अपने कॉल और कॉलोनीज क्यों है उनकी क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड उनका शुरू में ज्यादा हुआ वर्ल्ड ट्रेड उनका शुरू में ज्यादा क्यों हुआ क्योंकि रिलेटिवली पॉलिटिकल स्टेबल स्टेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली पॉलिटिकली स्टेबल था ब्रिटेन और रिसोर्सेज ज्यादा थे तो सारे ये चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं ठीक है थीके? ब्रिटेन का इंपेरियलिस्टिक कंट्रोल इतना ज्यादा क्यों था क्योंकि ब्रिटेन पॉलिटिकली स्टेबल था रिसोर्स रिच था ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सपोर्ट किया ये सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं और वहीं पर ही साथ में जुड़ जाते हैं उनके कॉलोनीज सो कॉलोनीज से मिलने वाला लेबर कॉलोनीज uh, से मिलने वाला कैपिटल और रॉ मटेरियल, कैपिटल में क्या क्या आता है लैंड लेबर और मनी ठीक है और रॉ मटेरियल में क्या क्या कोल और जितने भी अन्य जो हैं वो मेटल ओर हैं रॉ या जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है दैट कैन ऑल्सो वर्क एज अ रॉ मटेरियल क्योंकि कपड़ा बना रहे हैं तो कॉटन भी तो रॉ मटेरियल हो गया राइट right? कच्चा कॉटन जो होता है जो मतलब पिक किया जाता है खेत से नेक्स्ट चीज देखिएगा फर्दर दीज कॉलोनीज ऑल्सो सर्वड एज मार्केट्स फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इंग्लिश फैक्ट्रीज देयर बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट्स ऑफ इंग्लिश एंटरप्रिनर्स एंड द टैक्स कॉफर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से भारत का एग्जाम्पल लेते हैं भारत से कच्चा सामान भी उठाया भारत से लेबर भी उठाई और भारत से पैसा भी उठाया ठीक है भारत से रॉ मटेरियल भी उठाया ये सारी चीज़ें जो है वो समंदर के माध्यम से ले गए वो इंग्लैंड और इंग्लैंड में जो उनका रिवर सिस्टम है वहाँ से सीधा वो पहुँच गया फैक्ट्री कोई परेशानी नहीं हुई उन्हें फैक्ट्री पहुँचे वो लेबर पहुँचा फैक्ट्री वो रॉ मटेरियल पहुँचा फैक्ट्री वो जितना भी मिनरल और और जो ओर है या मेटल जो है वो मेटल रिसोर्स वो सब वहां पहुंचा और पैसा जो है वो सीधा फैक्ट्री में पहुंचा अब वहां से उन्होंने क्या किया उस रॉ मटेरियल उस labor, उस लेबर कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट तैयार किया अपनी फैक्ट्री में वापिस उन्हीं शिप्स में रखा नदी के रास्ते समंदर तक समंदर के रास्ते सीधा भारत और भारत आकर उन्होंने बेच दिया तो कोई समस्या ही नहीं हो रही उन्हें और कोई देश उन्हें रोक ही नहीं रहा क्यों क्योंकि पुर्तगाल को उन्होंने कमजोर कर दिया है पूरा का पूरा जितना भी कोस्टल जो ट्रेड है वो उनके कंट्रोल में है अपना देश उनका स्टेबल है भारत में भारत में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो ला चुके हैं तो पूरा सिस्टम ही उनका स्टेबल स्टेबल है तो क्यों नहीं होगा उनका इकोनॉमिक गेन और हुआ भी ठीक है इससे हुआ क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटिश टैक्स कॉफर्स हैं अब देखिए अगर कोई मर्चेंट इतना ट्रेड कर रहा है तो जगह जगह पर उसको टैक्स या चुंगी देती रहनी पड़ती होगी ठीक है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंट है जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उनकी भरतू भरपूर कमाई हुई तो जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी है वो भी खुश ब्रिटिश मर्चेंट क्लास भी खुश दुखी कौन है भारत का लेबर और ब्रिटेन का लेबर अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने भारत में जो लेबर है उसके साथ बुरा किया ब्रिटेन ने जैसा भारत के लेबर के साथ बुरा किया वैसा ही अपने लेबर के साथ बुरा किया यहां पर हमें पता चलता है कि रेशियल सुपरिटी को बहाना बनाकर मोटिवेट करा उन्होंने बस लोगों को ठीक है वो डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी अदरवाइज अंग्रेज जो गोरी चमड़ी के लोग तो ब्रिटेन में भी थे ना उनको भी तो उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया अपने लेबर्स को अपने लेबर्स को भी तो मरने के लिए उन्होंने स्लम्स में छोड़ रखा था अपने लेबर्स को भी तो बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस और बहुत गंदे मतलब बहुत अनहाइजेनिक माहौल वाली फैक्ट्रीज में रखा है उन्होंने छोटे बच्चों से 20-20 घंटे -20 काम कराए महिलाओं से जो है वो माइंस में काम कराया है बच्चों से माइंस में काम कराया माइंस में जो है वो बच्चे मरे हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप मानेंगे नहीं एक माइनर की केवल सत्रह साल थी ब्रिटेन की सरकार की रिपोर्ट है एक तो ऐसा नहीं है कि भारत के मजदूरिया भारतीयों के साथ ही बुरा कर रहा था अंग्रेजी मर्चेंट जो कैपिटलिस्ट है वो सबका ही विनाश कर रहा है कैपिटलिस्ट केवल अपने ही फायदे के लिए सब कुछ करेगा कैपिटलिस्ट सबके लिए ही बुरा है चाहे वो भारतीय हो चाहे वो मतलब अपने मुनाफे के लिए सबका हनन करेंगे वो वो भेदभाव नहीं करते फिर ठीक है कैपिटलिस्ट की एक बात एक बात सही है कि वो भेदभाव नहीं करते एक्सप्लाइटेशन में वो गोरी चमड़ी का भी किया उन्होंने काली चमड़ी किया काली चमड़ी का भी किया भूरी चमड़ी का भी किया लाल चमड़ी का भी किया पीली चमड़ी का भी किया यानी कि जितने भी रेशियल अगर आप स्किन के हिसाब से रेशीज को बांट दें तो सबका जो है वो अंग्रेजी कैपिटलिस्ट एंड नॉट जस्ट अंग्रेजी लेकिन यूरोपियन कैपिटलिस्ट ने सबको एक्सप्लॉइट किया है किसी ऐसा नहीं है कि मेल्स का ही एक्सप्लाइटन हुआ वुमेन का भी ऐसा ही नहीं है कि अडल्ट का ही हुआ बच्चों का भी बूढ़ों का भी सबका ठीक है तो लेबर जो है वो इनके लिए कैपिटल था इन्वेस्टमेंट थी और लेबर जो है वो सस्ते से सस्ता होना चाहिए कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए यही तो है ना मर्चेंटलिज्म कम से कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आउटपुट यही तो है ना कैपिटलिज्म कम से कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ठीक है तो यही काम ब्रिटेन कर भी रहा था खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ट्रीज हैड समेज हाउ एर ब्रिटेन है भारत जैसी बड़ी कॉलोनी उनके पास नहीं थी जहां से रॉ मटेरियल लेबर भी मिल रहा है पैसा भी मिल रहा है सब मिल रहा है ठीक है साउथ अफ्रीका क्यों एक्वायर किया हुआ है साउथ अफ्रीका इसलिए अक्वायर किया है जो भारत की पोजिशन है वेस्ट एशिया ईस्ट एशिया को करेक्ट करने वाली ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया को करेक्ट करने वाली जो भारत की पोजिशन है वही अफ्रीका के पेनीजोला की पोजिशन है इन हिंद महासागर और एटलैंटिक ओशियन को कनेक्ट करने वाली इसीलिए अफ्रीका इजिप्ट इजिप्ट को इसलिए कंट्रोल में कर रखा है क्योंकि लाल सागर वाला पूरा ट्रेड कंट्रोल में रहना चाहिए और इजिप्ट से नाइल नाइल रिवर से लेकर नीचे साउथ अफ्रीका तक पूरा का पूरा एरिया कंट्रोल में किया अफ्रीका का यहीं से ही सारा मिनरल और यहीं से ही सारा लेबर और यहीं से ही सारा का सारा जो है वो जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है अफ्रीका का यहीं पर ही है तो बहुत सोच समझ कर उन्होंने अपनी जो है वो कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी तो इस दुनिया के जितने भी क्रीमी जगह थी ना वो अंग्रेजों ने कंट्रोल कर ली थी लेकिन साउथ अमेरिका नहीं कर पाए क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल वहाँ पर स्ट्रांग थे और अंग्रेज़ों के पास ऑलरेडी इतनी सारी कॉलोनीज थी कि वो और झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे एक स्टेबिलिटी भी तो बना के रखनी है ना क्योंकि स्पेन पुर्तगाल भी तो वही है क्या है स्पेन और पुर्तगाल भी तो कैथलिक कंट्रीज ही और ब्रिटेन ने पोप के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन ब्रिटेन ने अपना इन चर्च ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ फर्स्ट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को हेनरी एट से जो है वो आ, मतलब हेनरी एट ने अपने आप को चर्च का हेड घोषित किया था कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद कैथोलिक चर्च और मतलब हेनरी एट और उनकी जनता के बीच में प्रोटेस्टेंट्स के बीच में और फिर एलिजाबेथ मन ने क्या किया वापस जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश किया और पोप की अथॉरिटी को थोड़ा बहुत माना उन्होंने मतलब थोड़ा सा लिबरल भी लाए लेकिन वेटिकैन को भी खुश रखा और वेटिकन स्पेन और पुर्तगाल को कंट्रोल करके रखता है तो स्पेन पुर्तगाल और ब्रिटेन जो है वो आपस में एक अच्छा रिलेशन बना के रखे ताकि फ्रांस को वो पीटते रहे समझ रहे हैं आप आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें समझ आएंगी धीरे धीरे नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देखिएगा पॉइंट आता है दीज वर द लैंड लेबर एंड कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड ये चीज हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं लैंड लेबर कैपिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो गुड्स और सर्विसेज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन रिक्वायर्ड तो यह तो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है ठीक अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आइए शुरू करें आइए अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन तो पहला पॉइंट देखेगा टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हुआ पहला पॉइंट है टेक्सटाइल सेक्टर इंडस्ट्री वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन पर्टिकुलर बिफोर मैकेनाइजेशन एंड फैक्ट्रीज मेनली इन पीपल्स होम्स गिविंग राइज टू द टर्म कॉटेज इंडस्ट्री ठीक है सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेक्सटाइल सेक्टर को ही तो रेवोल्यूशनाइज किया ठीक है नॉट जस्ट टेक्सटाइल सेक्टर और भी चीजों की बात करेंगे लेकिन मुख्य तौर पर जो ट्रेड है वो टेक्सटाइल का ही था यानी कि जो कपड़ा पहनना है वो पहले हाथ से बना करता था अब वो किससे बनने लगा मशीनों से तो पहले जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनकी जगह क्या सिस्टम आया फैक्ट्रीज बनी ठीक है सो so यही तो क्या है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट एज ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिड इट बिगेन टू इंपोर्ट रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया विच कुड बी स्पन एंड वोवन इन टू क्लोथ इन इंग्लैंड तो ये चीज हमने एस्टेब्लिश करी है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर जब कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई तो भारत से पहले वो तैयार कपड़ा ले जाते थे ठीक है लेकिन अब वो भारत से कॉटन ले जाने लगे इसीलिए उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल किया भारत में क्योंकि कॉटन जो है वो खरीदने से ज़्यादा अगर वहाँ के किसान उनको लगान के तौर पे दें तो बेटर रहेगा ना इसीलिए पॉलिटिकल कंट्रोल उन्होंने भारत पर बनाया इसलिए बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिली तो यहाँ पर जितना भी जूट प्रोड्यूस हो रहा है फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया यहाँ से जितना भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है इस सब कॉटन को एज अ लगान उन्होंने जो है वो इकट्ठा किया यानी कि टैक्स के तौर पे पहले खरीदना पड़ता था कितना आसान है ना उनके लिए कितना कन्वीनियंट है क्योंकि कॉटन खरीदने से अच्छा है कि जनता उन्हें टैक्स के तौर पे दे दे तो टैक्स के तौर पे तो किसको देगी गवर्नमेंट को देगी ना तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ब्रिटेन को और वही उन्होंने किया भी ठीक है सत्रह के बाद उनका पूरा प्रोसेस ही यही रहा वो हमने पिछले सेशंस में अच्छे से समझाया मैंने आपको कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन ने हटाया और ब्रिटिश क्राउन को एस्टेब्लिश किया 1858 में भारत में तो ये पूरा प्रोसेस बहुत मक्खन तरीके से मैंने पिछले सेशन में समझाया है अगर आप ये पूरा प्रोसेस डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको मेरे पूरे पिछले सेशंस देखने पड़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के तभी आप करेक्ट कर सकेंगे देखिए देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बार बार ये बोलता रहता था कि ये पॉइंट तो आपको तब समझ आएगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे अब वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं ये बात फिर से बोलूँगा कि ये चीज़ आप, आपको यानी कि भारत में जो भारतीय कॉलोनी से जो पहले चीज़ें वो खरीदते थे फिर टैक्स के टैक्स के रूप में इकट्ठा करते रहे उसके लिए भारत में जो पॉलिटिकल अधिकरण किया है तो भारत में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्विजेशन जो किया है अंग्रेज़ों ने उस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको मेरे वो पिछले सेशनस देखने पड़ेंगे आपको कैर्नेटिक वॉर वाला पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा उसके बाद जो पूरा सारे टॉपिक्स हैं ठीक है थीके? उनकी एजुकेशनल पॉलिसी से लेकर उनके एड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करने से लेकर उनके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर वो सारे टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे सभी टॉपिक में मैंने धीरे धीरे करके पूरा प्रोसेस बिल्ड किया है वो समझ बिल्ड करी है अगर आपने वो पिछले सारे टॉपिक देखे हैं मेरे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है वो जुड़ती चली जाएगी ठीक है क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम उसी टाइम फ्रेम को समझ रहे हैं हम उसी सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी को समझ रहे हैं जो हमने पहले भारत के लिए समझी थी अब हम यूरोप के लिए समझ रहे हैं फिर हम उसी को चाइना रशिया के लिए समझेंगे उसी को नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लिए समझेंगे और फिर हम सबको कनेक्ट कर देंगे ग्लोबल परस्पेक्टिव जनरेट हो जाएगा ठीक है सो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है हमें समझ आया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से रॉ कॉटन जो है वो इंपोर्ट करना शुरू किया ये हमें समझ आया इन द सेवनटीन हंड्रेड ऑफ इनोवेशन लेड टू एवर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी वाइल रिक्वायरिंग लेस ह्यूमन एनर्जी देखते हैं क्या क्या इन्वेंशन हुए इनोवेशन फॉर एग्जाम्पल द स्पिनिंग जेनी वॉज अ मशीन मेड बाय जेम्स हार्ग्रीव्स हार्ग्रीव इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव ऑन विच अल सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ योन साइमल्टेनसली देखिए स्पिनिंग जेनी जेम्स हाग्रीफ जो है वो आप व्यक्ति का नाम याद रखेंगे इसने स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई इस मशीन के माध्यम से एक ही व्यक्ति पैडल मारता रहेगा और क्या करेगा बहुत सारे धागे जो है वो तैयार कर सकता है यौन क्या यान क्या होते हैं आपने देखा होगा कि जो धागे का हम जो है वो एक गोल सा मतलब एक गेंद एक बॉल सी जो क्रिएट कर देते हैं धागे की देट इज अन तो धागे को जो है वो बांध कर लपेट कर रखना एक साथ जो है उसको यौन यौन कहलाता है तो बहुत सारे धागे के यौन जो है वो क्रिएट कर सकता है कौन स्पिनिंग जेनी से एक अकेला व्यक्ति तो ये इन्वेंशन जो है वो किया गया जेम्स हार्ग्रीव द्वारा तो यहां पर आप ये पाएंगे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप लगातार लाइन से इन्वेंशन होते गए पहले धागे के धागे को बनाने का प्रोसेस जो है वो आसान किया गया पहले धागे को बनाने की यानी कि कॉटन से कॉटन को साफ करना और फिर कॉटन से धागा बनाने की मशीन आई फिर वो मशीन कॉम्प्लेक्स हुई यानी कि मजबूत धागा बनाने की मशीन आई कॉटन के अलावा ऐसी मशीनें आई जो सिल्क को भी बना सकती है जो लेनिन का धागा भी बना सकती है जो जूट का धागा भी बना सकती है फिर धागे से कपड़ा बनाने की मशीनें आई फिर कपड़ा बनाने की मशीनों में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई मशीनें बड़ी होती गई फिर कपड़े को रंग भी दे रही थी वो मशीनें फिर उसके बाद कपड़े से जो टेक्सटाइल तैयार हुआ है उससे वियरेबल क्लॉथ सीलने की जो है वो सुइंग मशीन जो है वो साथ ही साथ डेवलप हुई तो एक ये पूरा प्रोसेस है लगातार एक के बाद एक एक मशीन है हम बनती हुई देखेंगे अब उन मशीन उन तैयार कपड़े को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोकोमोटिव के लिए स्टीम इंजन चाहिए उन माइंस में से कोयला निकालना है तो पानी वहाँ पर भर जाता है वो पानी को पंप आउट करने के लिए स्टीम इंजन चाहिए साथ ही साथ स्टीम इंजन जो है वो डेवलप हुआ ठीक है तो ये दो मुख्य तरह की इनोवेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी पहला स्टीम इंजन में जो इनोवेशन हुई है दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो नई मशीनें बनी है ठीक है नेक्स्ट देखिएगा दिस प्रोवाइडेड वीवर्स विद यन एट अ फास्टर रेट एंड दे कुड वीव इंटू फैब्रिक नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट एक और मशीन का नाम है द म्यूल वॉज द निक नेम फॉर अ मशीन इन्वेंटेड इन सेवनटीन सेवेंटी नाइन बाय सैमुअल क्रॉम्पटन ट अलाउड द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रांग एंड फाइन यान अब स्ट्रॉन्ग धागा बनाने के लिए म्यूल नाम की एक मशीन बनाई गई किसके द्वारा 1779 में सेमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे सामने नेक्स्ट देखिएगा द साइकल ऑफ इन्वेंशन ऑन इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट सॉट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टास्क ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग कंक्लूडेड विद इन्वेंशन ऑफ द पावर लूम बाय एडमन कैटराइट इन 1787 में एडमन कैटराइट ने पावर लूम जो है वो डेवलप कर दिया पावर लूम यानी कि कपड़ा बनाने की पहले धागा बनने की मशीन बनी धागा मजबूत बनने की मशीन बनी अब वो मजबूत धाशा जो है मजबूत धागा जो है वो कैटराइट की मशीन में कपड़ा बनने लगा तो पहले जो मैनुअली कपड़ा बनाया जाता था अब वो मशीनों से बनने लगा और कब हुआ है वो सेवनटीन में तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स है इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ ठीक है डायरेक्ट एग्जाम्पल है ये या आपको याद रखने हैं दिस वॉज ई ईजी टू वर्क अब ये जो एडमन कैटराइट की जो पावर लूम है इसका इसकी फीचर देखिएगा ईजी टू वर्क स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली अ थ्रेड ब्रोक एंड कूड बी यूज टू वीव एनी काइंड ऑफ मटीरियल किसी भी तरह के मटीरियल का कपड़ा बना देती थी मान लीजिए जूट का अगर आपके पास धागा जूट का कपड़ा बना देगी सिल्क है सिल्क का लेनन है लेनन है कॉटन तो कॉटन प्लास्टिक तो प्लास्टिक ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुरुआती पावर लूम है एडमिट कैटराइट right, आपको नाम याद होना चाहिए ऑल दीज बिग है मशीन्स वुड नीड टू बी बॉट अंडर वन लार्ज रूफ कॉल द फैक्ट्रीज एंड कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री धागा बनना धागे से कपड़ा बनना कपड़े जो टेक्सटाइल तैयार हुआ है उसको रंगना और उससे वीरेबल क्रिएट करना ये जब एक ही छत के नीचे होने लगा हमें पूरी की पूरी फैक्ट्रियाँ जो है वो डेवलप होती हुई नजर आ गई ठीक है और यही काम जो है वो धीरे धीरे हुआ है ब्रिटेन में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा सो ये तो रहा टेक्सटाइल में इनोवेशन तो टेक्सटाइल में इनोवेशन में आपको म्यूल मशीन याद रखनी है आपको एडमंड कैटराइट की मशीन आपको याद रखनी है तो ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट आएगा स्टीम पावर स्टीम पावर को देखिए स्टीम पावर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई द स्टीम पावर वाज इंटेग्रल टू द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने आपको समझाया है कैसे ठीक है स्टीम पावर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर दैट अनेबल्स यूज ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी ठीक है तो स्टीम जो है जब हाई प्रेशर में जब आप स्टीम को कंप्रेस करेंगे फिर वो कंप्रेशन अगर आप रिलीज करेंगे तो स्टीम जो है वह प्रेशर एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो जिससे आप पिस्टन को मूव कर सकते हैं जिससे फर्दर जो है वह आप टायर को चला सकते हैं या बहुत सारे जो है उसके एप्लीकेशन है मशीनरी में तो स्टीम का इस्तेमाल किया गया इन पावर मशीनरी राइट पावर टूल की तरह या पावर मशीन की तरह this meant that the steam power was only source of energy that was reliable and inexpensive enough to manufacture machine itself. Steam power का इतना boom इसलिए हुआ क्योंकि वो reliable था और inexpensive था। क्योंकि steam power steam काम करेगी ही करेगी। अगर आपने सही तरीके से calibrate किया है machine को, तो steam का pressure जब release होगा, तो वो move करेगा ही piston को। ठीक है। सो और रिलायबल था ज़्यादा खतरा नहीं था ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब आग लग जाएगी तेल है कि आग लग जाएगी उसमें नहीं रिलायबल भी है और आसान भी है यूज करना ठीक है इसीलिए इतना बूम आया स्टीम मतलब स्टीम इंजिन में स्टीम इंजिनस के यूज में ठीक है और मैनुफैक्चर करना भी आसान था एक बार जिसको टेक्नोलॉजी मिल गई वो फिर उसके बाद उसको मैनुफैक्चर कर सकता है आराम से ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपको जो है वो मतलब कोई एक स्पेस कुछ ही जो है वो स्किल्ड लेबर है वही बना सकते हैं स्किल लेबर की ज़रूरत है ऑब्वियसली लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्किल लेबर स्पेसिफाइड है कि यही व्यक्ति बना पाएगा एक बार आपको मेथड पता चल गया एक बार आपको टेक्निक पता चल गई कि कैसे बनाना है स्टीम इंजन कोई भी उसके बाद बना सकता था ठीक है प्रोवाइडेड कि आपके पास स्किल लेबर हो जो मेटल metal, मेटलर्जी जानते हो नेक्स्ट इज इन सेवनटीन इंग्लिश इंग्लिशमैन थॉमस न्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नाम सेवेंटीन ट्वेल्व इंग्लिशमैन थॉमस न्यू कॉमन डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन विच वॉज यूज प्राइमरली टू पंप वाटर आउट ऑफ द माइन्स सो माइन्स में जो पानी भर जाता था भले ही वो कोल माइन हो आयरन माइन हो उनमें जो पानी भर जाता था उन पानी को बाहर निकालने के लिए सत्रह सौ बारह में पहली बार एक प्रैक्टिकल स्टीम इंजन जो है वो लेकर आए कौन इंग्लिशमैन थॉमस न्यू कॉमन उसके बाद बाय द सेवनटीन सेवेंटी स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वॉट पावर मशीनरी लोकोमोटिव एंड शिप्स जेम्स वॉट ने सत्रह सो सत्तर में न्यू कॉमन के इंजन को इंप्रूव किया है उसके बाद उसने जो जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया वो जाके लोकोमोटिव यानी ट्रेन के इंजन में यूज़ हुआ वो जाके जो है वो स्टीम स्टीमर शिप्स में जो है वो यूज़ हुआ वो जाके फिर माइंस में पंप की तरह यूज हुआ तो जेम्स वॉट का नाम हम याद रखते हैं कि इसने स्टीम इंजन बनाया है ऐसा नहीं है पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया था थॉमस न्यू कॉमन ने उससे पहले भी स्टीम का जो है वो यूज़ किया जा सकता था लेकिन एक प्रैक्टिकल एक कारगर तौर पर स्टीम का इस्तेमाल किया जाना पहली बार जो शुरू किया गया वो थॉमस न्यू कॉमन द्वारा उसको डेवलप किया है जेम्स वॉट ने जिसको उसने जो डेवलप्ड है ठीक है न्यू कॉमन की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जेम्स वॉट ने उससे जो है वो लोकोमोटिव डिजाइन हुए हैं नेक्स्ट देखिएगा स्टीम पावर आ आगे हमारे पास स्टीम पावर के हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं इसमें कुछ समझाने का नहीं है ठीक है समझाने वाले सिस्टम मैंने आपको बता दिया अब डायरेक्ट एग्जाम्पल्स उठाने हमें अब आयरन और स्टील के प्रोडक्शन की बात करते हैं डेवलपमेंट्स इन द आयरन इंडस्ट्री आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है एज द डिमांड फॉर द न्यू मशीनरी इंक्रीज इन अदर सेक्टर्स अब देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि केवल मशीन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही डिमांड बढ़ रही है अदर सेक्टर्स जो है वहाँ पर भी तो क्योंकि मशीन मशीन्स की डिमांड तो कहाँ पर है कोल को निकालने में भी आयरन और को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में भी उससे जो है वो स्मेल्टिंग करने में भी स्टील को बनाने में भी ठीक है लोकोमोटिव बनाने में भी रेलवेज बनाने में भी रेलवे पटरियाँ बिछाने में भी ठीक है घरों को हर जगह जो है वो मशीन की जरूरत है केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ी तो हर जगह जो मशीन की मशीन बनाने की जो डिमांड बढ़ती गई उससे क्या हुआ आयरन और स्टील का प्रोडक्शन जो है वो इंग्लैंड में बढ़ता गया देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज द डिमांड फॉर न्यू मशीनरी इंक्रीज इन अदर सेक्टर्स इट लेड टू अ रेवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इन इंग्लैंड सेम बात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है जब लोहे की डिमांड बढ़ी तो लोहे को एक्सट्रैक्ट करने का नया प्रोसेस डेवलप करना ही पड़ा ठीक है तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आपने समझा होगा ठीक है या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो वो ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है या आ मतलब कि एक क्रूड कोई अगर, अगर मटेरियल है उससे जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ किए जाते हैं सब मेथड तो ये सब टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई इन द एटीन सेंचुरी इंग्लिश मैन अब हमें एग्जाम्पल उठाना है इंग्लिश मैन है अब्राहम डार्बी डिस्कवर्ड अ चीपर इजियर मेथड टू प्रोड्यूस कास्ट आयरन यूजिंग कोक फ्यूल्ड एज अपोज टू चार्कल फाइड फर्नेस ठीक है अब अब्राहम डार्बी ने एक ऐसी फर्नेस डेवलप करी जिससे बहुत सस्ते में बहुत ज्यादा जो है वो कास्ट आयरन प्रिपेयर हो जाता है कास्ट आयरन एक ऐसा आयरन है जिसमें कुछ मात्रा जो है वो मिलाई जाती है किसकी कार्बन की देखिए आयरन एक जो प्योर एफ ई होगा ना जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट है वो ब्रिटल होता है वो टूट जाता है उसमें मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज होती है लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है उसमें थोड़ा सा अगर आप कार्बन मिला देंगे तो स्टील बन जाएगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसमें दस बारह परसेंट अगर आप क्रोमियम मिला देंगे तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा जंग भी नहीं लगेगा उसमें ठीक है तो दैट मीन्स ये कि जो अलॉय है आयरन बनाना और फिर आयरन आयरन को एक्सट्रैक्ट करना ठीक है और से और फिर वो जो एक्सट्रैक्टेड आयरन है उससे यूज करने लायक अलॉय या कास्ट आयरन या हाई स्टील हाई स्ट्रेंथ आयरन या हाई स्पीड जो है वो स्टील या मतलब स्टेनलेस स्टील ये सारे बनाने के जो प्रोसीजर हैं ये ओवर द पीरियड जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुए जिसमें एक एग्जाम्पल हमारे सामने एब्राहम डार्बी है जिसने कास्ट आयरन चीप तरीका कास्ट आयरन बनाने का जो है वो प्रोड्यूस किया नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन एटीन ब्रिटिश इंजीनियर हैनरी बेसिमर

अन्य सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर so, में अब नई बिल्डिंग्स नए शहर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो सरिया लगाना पड़ेगा ना तो लोहे या स्टील या लोहे की बार ये सब चीजें जो है वो क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए आपको लोहा चाहिए ना ठीक है तो लोहा चाहिए स्टील चाहिए तो इस सब फील्ड में भी क्या हुआ इनोवेशन हुई तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मशीनें भी बनी हर तरह की मशीनें बनी द ब्रिटिश आयरन प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड बिटवीन 1800 से 1830 एंड इट्स प्रोडक्ट वाज चीपेस्ट इन द यूरोप इन 1848 ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर आप इंटेंसिटी समझिए आप ग्रेविटी समझिए सिचुएशन की 1848 में ब्रिटेन जितना आयरन स्मेल्ट कर रहा था ना पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर रही थी उतना यह है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बूम इंग्लैंड में इंग्लैंड ने इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया है तभी इंग्लैंड इतनी ज़्यादा कॉलोनीज़ को इतना तभी इतनी ज़्यादा कॉलोनीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से वो कंट्रोल में रख सके तभी उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है देख ही रहे अठारह सौ अड़तालीस में सबसे ज्यादा जो है वो आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा नेक्स्ट देखिएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या हुआ अब देखिए अब मैंने आपको बताया ना रॉ मटेरियल लेबर मार्केट रॉ मटेरियल को लेबर तक लेके जाना ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन चाहिए जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट तैयार हुआ कैपिटल से उसको मार्केट तक लेके जाना क्या चाहिए आपको कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो उस फील्ड में भी जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होगा बूम आएगा राइट right? सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अंडरवेंट अग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवल्यून द स्टीम इंजन स्पार्क्वेशनोवेटिव मैथड इन ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज वर नॉट न्यू इन प्री इंडस्ट्रियल ब्रिटेन अब देखिए रेलवेज की मैंने आपको बात बताई ना रेलवेज जो है वो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आने से पहले भी था देर आर ओवर थाउजेंड रेलवेज बाई अठारह सो से पहले रेलवेज तो था और वो हजार से ज्यादा रेलवेज थे ठीक है और वो कनेक्ट कर रहे थे किसे उन देखिए रेलवेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा भारी सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे और भारी सामान क्या है बड़े बड़े पत्थर चटाने ही तो भारी है ना जो ओर है कोयला लोहे का जो ओर है वो सो so, जहां से माइंस हैं और जहां पर उस ओर को प्रोसेस करना है आपको उसके बीच में कनेक्ट करने के लिए या अगर आपको कैनाल तक पहुंचाना है नदी तक पहुंचाना है यानी शिप्स तक पहुंचाना है तो वहां तक कनेक्ट करने के लिए रेलवेज थे तो स्टीम इंजन आने से पहले वो रेलवेज को कौन खींचता था घोड़े खींचते थे ठीक है द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव टू बी यूज इन रेलवेज वॉज मॉडिफाइड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन इन 1814 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा पहला स्टीम लोकोमोटिव जो कि रेलवे में यूज किया गया 1814 में डेवलप किया है किसने जॉर्ज स्टीफनसन ने एक सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर है जॉर्ज स्टीफनसन द इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर रेलवे टुक द होल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन टू अनदर लेवल द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन रेल रोड मूवड पीपल रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स रैपिडली अराउंड इंग्लैंड अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अल्टीमेट ट्रायम्फ है रेलवेज देखिए आप रॉ मटेरियल आपके पास बहुत सारे हो आपके पास लेबर कैपिटल आपके पास कैपिटल बहुत बेहतरीन है आपके पास मार्केट है लेकिन अगर उनके बीच का ट्रांसपोर्टेशन अगर स्लो होगा तो मान तो मतलब क्या है कम्युनिकेशन गैप है ट्रांसपोर्टेशन गैप है अगर ट्रांसपोर्टेशन गैप है तो पैसा अब तक देरी तक पहुंचेगा पैसा देरी तक पहुंचेगा तो आगे इन्वेस्ट देर से होगा आगे इन्वेस्ट देर से होगा तो पूरा एंटायर प्रोसेस इज स्लो लेकिन रेलवेज के आ जाने की वजह से रॉ मटेरियल जल्दी पहुंच रहा है कैपिटल के पास कैपिटल जल्दी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है प्रोडक्ट तैयार होकर वो जल्दी से मार्केट में पहुंच रहा है तो ये जो तेजी आई है पूरे एंटायर प्रोसेस में इससे जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अनप्रेजिडेंटेड हाइट्स मिली है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो कामयाबी का जो मतलब वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उन सारे फैक्टर्स को जब वो जुड़ गए और फाइनल कंक्लूजन तैयार हुआ लोकोमोटिव इंजन तो रेलवेज की वजह से सबसे ज्यादा बूम आया है किसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये बात आपको ध्यान रखनी है और वही भारत में भी हुआ भारत में जब बंगाल से बंबई जब कनेक्ट हो गया ना तो बात ही बदल गई अंग्रेजों के ट्रेड में क्योंकि जब बंगाल में आने वाला माल जो घूम के ले जाना पड़ता था या जमीनी मार्ग से ले जाना पड़ता था और जमीनी मार्ग से जब ले जाया जाता था तो भारतीय जो भी बीच में ट्राइब्स थे उन सबको मना के रखना पड़ता था अंग्रेजों को उन सबको जो है वो कंसिलियट या एडमिनिस्टर करके रखना पड़ता था चाहे जोर जबरदस्ती जो से या कैसे भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है एक बार रेलवे बीच गया तो कोई जरूरत नहीं है फिर कुछ करने की जब एक रेलगाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही है तो बीच में कोई भी अगर भारतीय आकर खड़ा होता है तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता और अंग्रेजों ने कोई परवाह नहीं मारी अगर कोई भारतीय रेलवे के आगे आगे आकर खड़ा हो जाए और जान दे अपनी तो ठीक है सो रेलवेज रेवोल्यूशनाइज और यहां देखिए सेंटेंस में द अल्टीमेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेल रोड्स मूड पीपल रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स रैपिडली अराउंड इंग्लैंड दिस ब्रॉड पीपल टू न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज कॉजिंग अार्ज इंफ्लेक्स ऑफ लेबर एंड ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रेड विद इन इंग्लैंड यूरोप एंड द वर्ल्ड देखिए रेलवेज की वजह से इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो जनता है वो इंग्लैंड के जो नए बसे हुए शहर जहां पर इंडस्ट्रियल बूम चल रहा है वहां से कनेक्ट हो सके पहले वो लोग पहले ट्रांसपोर्टेशन का गैप था रेलवेज के आ जाने की वजह से बड़ी संख्या में लेबर जो है वो शहरों तक पहुंचे पहले आ रहे थे नो no डाउट लेकिन अब बड़ी संख्या में आ सकते थे क्योंकि अब एक कम्युनिकेशन एक मैंने बोला ना एक ब्लॉकेड होता है वो एक ब्लॉके एक बार टूट जाए तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो खुल जाता है वो कम्युनिकेशन वो ट्रांसपोर्टेशन का चैनल खोला किसने रेलवेज ने तो बड़ी मात्रा में इन्फ्लेक्स हुआ लेबर का नॉट जस्ट इन इंग्लैंड बट ऑल्सो इन यूरोप जब यूरोप में रेलवेज uh, को अडॉप्ट किया गया तो यूरोप में भी यही सेम जो है वो घटना घटी यूरोप का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लैंडलेस पीजेंट है जो लैंडलेस लेबर है उसको शहरों में मूव करने के लिए आसानी प्रोवाइड की रेलवेज rail, ने प्लस रॉ मटेरियल और जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट है उसके मूवमेंट में तो मदद ऑब्वियसली की ही रेलवेज ने ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दिस बॉट पीपल टू न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज कॉजिंग अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ लेबर एंड ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रेड विद इन इंग्लैंड यूरोप और एंड द वर्ल्ड ठीक है तो ये चीज हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं एडिशनली अराउंड 1820, ट्वेंटी स्कॉटिश इंजीनियर जॉक जॉन मैक एडम डेवलप्ड अ न्यू प्रोसेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पहला डेवलपमेंट हुआ रेलवेज में अब दूसरा रोड कंस्ट्रक्शन में क्योंकि रेलवे के बाद धीरे धीरे मोटर इंजन भी डेवलप हुए और वो जो मोटर इंजन है वो गाड़ियों में भी लगना शुरू हुआ ठीक है छोटे छोटे गाड़ियां भी लगी बनी लेकिन पहले सड़कों पर टारमैक बिछाने का सिस्टम जो है वो डेवलप किया किसने मैकेडम ने सो जोन मैकेडम डेवलप्ड अ प्रोसेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन हिज टेक्निक विच बिकेम नोन एज मैकेडम रिजल्टेड इन रोड्स दैट वर स्मूदर मोर ड्यूरेबल एंड लेस मडी आज भी ये जो प्रोसेस ऑफ मैकेडम है भारत में यूज किया जाता है इसके तहत क्या होता है छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में पत्थरों को तोड़ा जाता है उसके साथ जो है वो तारकोल को मिलाया जाता है और फिर उसको सड़क पर बिछा दिया जाता है ताकि एक ईवन स्मूथ तो आपके हमारे यहाँ आप पूरे भारत की सड़कें ऐसी तो बनती हैं तो ये किसने इनोवेट किया ये तरीका स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैकेडम ने रेल रोड रेल रोड नेटवर्क वॉज कंप्लीमेंटेड canal network नेटवर्क बिल्डिंग अब देखिए तीनों चीजों का बूम हुआ रेल रोड भी डेवलप हुआ सड़कें भी डेवलप हुई और साथ में कैनाल्स भी डेवलप करी ब्रिटेन ने ठीक है जहां जहां पर रिवर्स थी अपना वो रास्ता बदल ले रही थी उनको केनाल्स में कन्वर्ट किया उनके साथ में जो है वो स्थाई हार्बर डेवलप किए ऐसे ब्रिजेस बनाए जो कि खुल जाते थे राइट शिप्स जब क्रॉस होती थी तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्युनेशन है उसने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस किया ही कम्युनिकेशन भी बढ़ा देखिएगा कम्युनिकेशन बिकेम इजियर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विद सच इन्वेंशन एज टेलीग्राफ एंड रिफॉर्म्स इन पोस्टल सर्विसेज कैरिड आउट इन एटीन फोर्टीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिए रेलवेज के डेवलप होने के साथ साथ ही पोस्टल का डेवलपमेंट हुआ है क्यों क्योंकि रेलवेज के साथ जो है वो चिट्ठियां भी ठीक तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होने लगी उसी के साथ साथ टेलीग्राफ की जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप हुई साथ में तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी डेवलप करने का जो श्रेय है वो किसको है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया पूरा का पूरा प्रोसेस आप समझ गए आई होप आपको समझ आया होगा पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो so, अब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा और उसके सारे असर देख लिए उसके किस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में और फिर उनका इम्पैक्ट जो है वो क्या रहा वो भी देखा अब हम देखते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड यानी कि यूरोप के अन्य देशों में या दुनिया में और कहां कहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके बाद आया ठीक है तो ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं अब सो so, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बियॉन्ड इंग्लैंड और कहां कहां पर हुआ तो पहला पॉइंट देखिएगा द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन इंग्लैंड स्प्रेड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में 19 सेंचुरी के शुरुआती डेकेड्स में इंग्लैंड से निकलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अन्य देशों में फैलने लगा और अन्य इस तरह के स्ट्रांग देश कौन कौन से हैं एक तो यूरोप की कंट्रीज इट उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और एशिया में कुछ हद तक भारत साउथ ईस्ट एशिया जापान ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की संभावनाएं हैं आइए देखते हैं कहां कहां पर हुई फ्रांस जर्मनी बेल्जियम स्टार्टेड एम्प्लॉइंग वेरियस न्यू मशीन इन ऑर्डर टू बूस्ट प्रोडक्शन लेवल्स यूरोप में फ्रांस जर्मनी और बेल्जियम द एंड ऑफ द नेपोलिनिक वॉर्स इन 1815 फिफ्टी अलाउड फ्रांस टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक है नेपोलिनिक वॉर्स के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब फ्रांस में आई उसके बाद फ्रांस ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया सिमिलरली जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन अंडर बिस्मार्क बिस्मार्क ने जर्मनी को जो यूनिफाई किया है जर्मनी भी किस में उतर गया स्टेटेड started developing rapidly and emerged as a rival of british dominance italy and russia too started developing industrially though not on a steady pace beyond europe the united states of america started developing industrially, industrially after its independence from britain although it was only 1870 that it acquired a rapid pace तो इन सारे एग्जाम्पल है ना आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सभी देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं ला पा रहे थे क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी जो नेपोलोनिक वार्स है उसके बाद फ्रांस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई फ्रांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ा ठीक है अब देखिए एक स्पेसिफिक तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जहां पर जो गवर्नमेंट है वो किसके इन्फ्लुएंस में रहे वो वहां के मर्चेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से चले तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ सकता है जब सरकार किसी भी तरह की सरकार हो पार्लियामेंट्री हो डेमोक्रेटिक है या मोनार्कियल सरकार है वो जब मर्चेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर काम करेगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा चीज जब ब्रिटेन में हुई सबसे पहले तो ब्रिटेन में सबसे पहले आया इसी तरह का जब पॉलिटिकल स्टेबल इसी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहा गया है ठीक है इस तरह की जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ्रांस में आई तो वहां पर बिस्मार्क ने जब जर्मनी को यूनिफाई किया तो वहां पर आया इटली और फ्रांस इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे अमेरिका जब आजाद हुआ ब्रिटेन से तो वहां पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ठीक है देखते हैं और अन्य किन किन देशों में आई नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बाय द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी द यूएसए हैड बिकम वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन जापान वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जापान वज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू अंडर गो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस द फैक्ट दैट ऑल दीज कंट्रीज हैड डेवलप्ड एन एटमोसफेयर कंड्यूसिव फॉर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन सभी देशों में एक ऐसा पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल और सम रिलीजियस एक ऐसा जो है वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इन देशों में जनरेट हुआ जिस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ सका हमने ब्रिटेन का वो माहौल समझा है जब हम एक एक देश को उठाएंगे ना सबका जब जब हम वहाँ की जैसे मान लीजिए अमेरिका की आज़ादी क्रांति कराऊँगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी साथ में लेकर आऊँगा समझाऊंगा पूरा का पूरा ठीक है जब मैं आपको जापान और रशिया जापान और रशिया की लड़ाई कराऊंगा तो वहाँ का तो जापान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको मैं समझाऊंगा ठीक है जब रशियन रेवोल्यूशन समझाऊंगा तो रशियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी समझाऊंगा ठीक है जब बिस्मार्क और मुजलिनी इन सब के बारे में बताऊंगा तो जो जर्मनी फ्रांस स्पेन इन सब के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक स्पेसिफिक तरीके का पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा जब वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के मर्चेंट्स दोनों एक साथ मिलकर गवर्नमेंट मर्चेंट की सहायता करें मर्चेंट गवर्नमेंट की सहायता करें और तभी जाके इंडस्ट्रियल बूम आ सकता है ठीक है तो ये चीजें आज हमने किसके एग्जाम्पल से ली इंग्लैंड के एग्जाम्पल से ली मुझे आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से ऐसा जो है वो आपकी समझ में किस देश में हो रहा है अभी ठीक है नेक्स्ट देखिएगा अच्छा यही लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं फिर से इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस द फैक्ट दैट ऑल दीज कंट्रीज डेवलप्ड एन एटमोसफेयर कंड्यूसिव फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच एक्जिस्टेड इन इंग्लैंड लाइक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्या क्या चीजें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल लेबर एंड कैपिटल अमंग अदर्स तो अगर इस तरीक जो मैंने आपको समझाया उसको अगर आप फॉर्मली पुट करना चाहें तो क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जरूरी है वह है पोलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप दैट वी नो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल ऑब्वियसली लेबर एंड कैपिटल अमंग अदर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें हमने आज एस्टेब्लिश करी सो so ये है आज हमारा पहला पार्ट हमने पढ़ा इंडस्ट्रील रेवोल्यूशन का अगला ये टॉपिक लेकर आऊँगा इंडस्ट्रियल रेवोलूशन के इम्पैक्ट्स के ऊपर कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंग्लैंड के ऊपर और फिर यूरोप के ऊपर और जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवलूशन हुआ और प्रेजेंट टाइम्स के साथ जो है वो थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे उसे प्रेजेंट टाइम्स में क्या असर दिखता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उन पर क्या असर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ठीक है सो आज के टॉपिक को मैं यहां कंक्लूड करता हूं मेरी समझ से आपको बेहतरीन तरीके से आज का टॉपिक हमारा समझ आया होगा ठीक है जो मैंने सवाल बीच में पूछे हैं उनका जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से आप देंगे यह सेशन आपको कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज बुरी लगी आपके जो सजेशंस है आपका जो फीडबैक है मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर प्रोवाइड करेंगे पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी मॉडर्न हिस्ट्री एंशंट मेडाइवल पिछले सेशंस देखिए मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए आप मेरे सेशंस की एक प्लेलिस्ट है वो आपको स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे आप जो पिन कमेंट देख रहे हैं वहां पर भी लिंक मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम सर्च करते हैं तो प्ले आपको वहां से भी मिल जाएगी मेक श्योर यू एक्सेस दैट प्ले लिस्ट मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस पिछले सेशन आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है उसके अलावा अगर आप सी एस सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि एक थरो कोर्स आपके पास अवेलेबल हो एक स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से तो स्टडी आई क्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए उसमें आपके फेवरेट टीचर्स द्वारा क्रिएटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं राइट और एक ही एप्लीकेशन में आपके कम्फर्ट जोन में बैठ आप आराम से पढ़िए सारे स्मार्ट कोर्सेज बहुत बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है उस एप्लीकेशन में मेक श्योर यू चेक दैट आउट द लिंक टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन इज राइट देर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो राइट सो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ अगला मैं सेशन लेकर आऊँगा वर्ल्ड हिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करेंगे एंशंट पर भी बच्चे जो है वो आ, मतलब उत्सुक हो रहे हैं कि सर हड़प्पा संस्कृति जो है वो कराओ आएगा टॉपिक शांत बने जुड़े रही है आपको क्या जल्दी है अभी आराम से पढ़ेंगे ना डिटेल में बिल्कुल पहले वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मुझे जोड़ने तो दीजिए वो समझ ग्लोबल परस्पेक्टिव तो बने ले जाऊंगा आपको एंशेंट में भी और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी एंशेंट में ले जाऊंगा रोमन एम्पायर भी कराऊंगा मेसोपोटामिया वो सारी चीज़ें करेंगे हम मर्डरी ठीक है और येस मैं थोरली आपके कमेंट्स को जो है वो फॉलो करता हूं मैं देखता हूं कौन बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है क्या सवाल है क्या क्वेरी है तो उन सब के जवाब देने की कोशिश मैं सेशंस में करता हूं राइट सो घबराइए मत आपके सेशंस में आपके कमेंट्स में देख रहा हूं आप जो पढ़ना चाहते हैं उन पे ही सेशंस में लेकर आऊंगा ठीक है आप बस जुड़े रहिए सेशन आपको अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट के माध्यम से बताते रहिए और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग मेरे ख्याल से क्योंकि मेरी वीडियोस पे मुझे जैसे लग रहा है जिस तरह की मेरी मेहनत है उस तरह के व्यूज़ अगर नहीं आए तो फिर फायदा क्या है अगर आप थॉरली मेरे सेशनस को फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर यू शेयर ऑल दीज वीडियोज़ जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन पर शेयर कीजिए ठीक है हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे बहुत सारे सेशनस लेकर आऊँगा और मेरे और आपके बीच में संवाद कम्युनिकेशन बेटर हो उसके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मैं उपाय करूंगा डेफिनेटली ठीक है सो नो प्रॉब्लम हम आगे जो है वो अपने सेशन को बेहतरीन तरीके से कैरी करते रहेंगे मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ फिलहाल आज के लिए मैं इस सेशन को खत्म कर रहा हूं मेरा नाम है विशाल चौहान मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर अ नाइस डे